भाई हम बड़ी मुसीबत में हैं। ये मेरी पत्नी है, हम शिरडी से आ रहे थे, रास्ते में हमारी गाड़ी खराब हो गई है और ये माँ बनने वाली है, अगर आप थोड़ी देर के लिए इन्हें। अरे अंदर बुला लो ना। आइए अंदर आइए। बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन यहाँ कोई डॉक्टर? डॉक्टर तो बच्चा होने वाला है। जी आपके? जी हाँ। जल्दी चलिए ना। चलते आइए डॉक्टर। बधाई हो बाबूजी, बधाई। भगवान ने आपको चांद से बेटी दी है। रोमा कैसी है? बिल्कुल अच्छी है, बस अभी आंख लगी है। ये भी खूब रही, हमारे आने से पहले ही पैदा हो गई। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी की जल्दबाजी पर खफा मत होइए। आपने इस वक्त यहाँ आने की तकलीफ की, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। ये लीजिए आपकी फीस। इसकी क्या जरूरत थी? वैसे जरूरत बहुत थी। लीला मौसी, परसों आपने जो जुकाम की दवा मुझे दी थी उससे मुझे बहुत आराम। डॉक्टर साहब, आपने आने की फीस तो ले ली, जाने की फीस भी लेते हैं क्या? अच्छा जी, मैं जाता हूँ। थैंक यू डॉक्टर सर। डॉक्टर साहब। हाँ जी। ये कुछ थोड़े बहुत पैसे हैं? नहीं नहीं बाबूजी, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन ये पैसे ऐसे नहीं ले सकते, ये आप ही रख लीजिए। तो फिर मुझे बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? बाबूजी, हमारी कोई औलाद नहीं, भगवान से हमारे लिए प्रार्थना कीजिए कि हमारे घर में भी, वैसे तो रात हमारे यहाँ बच्ची पैदा हुई है, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि मेरी घर वाली को भी। हाँ हाँ, वो समझ गए। हाँ हाँ, जरूर प्रार्थना करूंगा। सचमुच तुम लोगों ने हम पर वो उपकार किया है कि अगर हमारे जुड़वा बेटियां पैदा हुई होती तो एक हम तुम्हें जरूर दे देते। बाबूजी। अच्छा अच्छा, जय राम राम बाबूजी, राम राम माँ जी। नमस्ते नमस्ते। सुनो। ये तूने क्या किया? उनके सचमुच छुपा बेटियां हुई थी। तो तूने एक को छुपा दिया? तो क्या हुआ, एक जैसी दो लड़कियों का वो क्या करते, और वो तो खुद ही कह रहे थे जुड़वा होती तो एक हमें दे देते। अरे कहने की बात तो और होती है, वैसे तो मैं भी बहुत कुछ कहता हूँ, लेकिन करने। अरे पगली, ये क्यों नहीं सोचती कि हम गरीब लोग एक बड़े घर की लड़की को क्या दे सकेंगे? हम इसे वो देंगे जो कभी कभी महलों में भी नहीं मिलता, प्यार। Thank you.
आजकल आपको बहुत खांसी आती है। हाँ बेटी बहुत आती है, बस मौत नहीं आती। दादी माँ ये दवा पी लीजिए। अब तो मुझे आंखें भी मेरा साथ छोड़ चली है। चलो ठीक है, जो कुछ इस घर में तेरे साथ होता है उसे देखकर मुझे कौन सा सुख मिलता है बेटी। सीता, अरे ओ गुरदार, भगवान इनसे समझे, ऐसे तो कोई नौकरों को भी नहीं बुलाता। जा बेटी जा, जा। लेकिन दादी माँ, अरे ओ गुरदार कहाँ मर गई? जा बेटी तू मेरी चिंता न कर। जी चाची। जी चाची, दो घंटे से बुला रही हूँ, कानों में तेल डाल के बैठी थी महारानी। चाची ओ दादी माँ, सत्यानाश जाए उस बुढ़िया का, मरे तो हमारा पिंड छूटे। मेरा तो जी चाहता है उसको जिंदा ही मैं चिता में डाल दूं। अब तू मुझे क्या घूर रही है? मेरे नहाने के लिए पानी तू लाएगी या तेरे बाप दादा लाएंगे नरक से? जी अभी लाती। अरे जरा जल्दी चलेगी तो क्या तेरी टांगे टूट जाएंगी। अभी करती हूँ शीला। जल्दी आओ स्टूपिड इडियट। साबुन लाई? जी अभी लाई। अभी लाई? न जाने कहां से हमारे पल्ले ये कमबख्त बन गई है। मजाल है कभी बगैर कहे ये कोई काम कर दे कामचोर। मैं कहती हूँ तुम तो कुछ बोलते ही नहीं। अरे कभी तो बोलो, तुम्हारी जबान पे ठहर ठहर। तुम ये क्या घिसर घिसर कर रहे हो? कुछ नहीं, वो तो जरा जूतों में पॉलिश कर रहा था। सारी जिंदगी तुमने कोई काम किया है जो आज बैठे काम कर रहे हो? ओ मुर्दार जूते पॉलिश करके ला। लेकिन वो दो। देता हूं। लो बेटे जरा जल्दी पॉलिश करके लाना। अरे क्यों उस बेचारी को जूते दे दिए? वो तो बेचारी दिन भर वैसे इतना लाडली सुबह शाम मन मन खाती है। वो कभी देखते हो तुम? जरा हाथ पांव हिलाएगी तो चर्बी पिघलेगी चुड़ैल की। वो तो ठीक है, लेकिन वो बेचारी रोज गर्म पानी लाती है, तुम वो जरा गीजर ठीक करवा लो ना। गीजर जब ठीक होगा, जब वकील साहब इस महीने के पैसे लाएंगे। मैं पूछती हूँ, सीता के बाप को अपने भाई पर जरा भी भरोसा नहीं था कि सारी जायदाद वकीलों के सपुर्द करके मरे। बंगला भी सीता के नाम है, हमें मिलता क्या है? महीने के वही ना 5,000 रुपल्ली, और वो भी सिर्फ सीता की शादी होने तक। सीता की शादी? ये ब्लाउज थी, शिफॉन की साड़ी है, जानती है कितनी एक्सपेंसिव होती है? जरा ठीक से प्रेस करना, समझी? अच्छा। अब हुजूर आपकी चाय। अबे बुड्ढे, तुझे किसने कहा था चाय लाने को? वो जनक दुलारी राम प्यारी का है जी। कौन? वो सीता बिटिया? हुजूर वो तो मेम साहब का काम कर रही है। अबे खुसट, दीदी का काम तो कोई भी कर सकता है, जो मेरा काम है चल मारी निकाल। अच्छा सोन जी, कल से चाय के साथ तेरा थोपड़ा ना देखूं, समझा? चल दफानो, चल। दीदी मैं पॉलिश करूं डैडी के जूतों पर? नहीं बबलू मैं करूंगी, दो मुझे। नहीं दीदी, जितनी देर में तुम साड़ी प्रेस करोगे उतनी देर में मैं पॉलिश करूंगा, बस दोनों काम जल्दी हो जाएंगे। और तेरी मम्मी ने देख लिया तो जानता है कितना डांटेगी? और देर लगी तो जानती हो कितना डांटेगी। अच्छा बाबा करो, और देखना हाथ गंदे नहीं करना। अयो सीता, साबुन लाती है, नीचे आकर तेरी धुलाई करो। अरे बाबे मैं तो भूल गई थी, अभी लाई चाची। रख दे मेरे सर पे, साबुन लेने धोबी घर गई थी, जो इतनी देर कर दी, दूर हो जा भाई नंगे से। सीता जी जरा यहाँ आना जी, नीचे जरा काम है। ओहो
वही खड़ी बात कर रही भली मानस, पहले अंदर तो आ जाओ। अरे मैं तुझे खा जाऊंगा क्या? कभी कभी हमारा भी काम कर दिया कर। करेगी जी? क्या काम है? तू बड़ी भोली है। अच्छा जरा ये बटन ताक दे। जी आप रख दीजिएगा, मैं दोपहर का कर दूंगी। दो मिनट की तो बात है, अभी कर दे। ये रहा स्विच धागा और बटन, ये लो। हाँ। सच कहता हूं सीता, तू नहीं जानती तुझे इस हाल में देखकर मुझे कितना बुरा लगता है, मगर इसमें तेरा ही दोष है। तू एक बार मुझ पर भरोसा कर ले, मजाल है किसी की, मगर तू है कि मुझे को अपना दुश्मन समझते के पगली। मम्मी, मम्मी, देखो इसने क्या किया? क्या हुआ? मम्मी, मम्मी। हे भगवान, शीला, शीला मुझे माफ करना, बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या हुआ बेटी? शीला क्या हुआ? चाची, चाची मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, इतने सारे काम एक साथ आ गए। क्या झूठी कही की मम्मी ने मेरी साड़ी चला दी, कितनी मीन है। नहीं हुआ। अरे क्या हुआ? तेरी ये बकवास। चाची मुझसे भूल हो गई। भूल हो गई है? जान के किया, जल्दी मेरी बेटी से। मैं क्यों जलूं किसी से? भगवान को क्या मुझे खाऊंगी? अब तुझे बंद रखूंगी तो पता लगेगा, भूखा मारूंगी 5-6 दिन तुझे तो आटे दाल का भाव पता लगेगा तुझे। कौशल्या माँ, पिताजी तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? कहाँ चले गए? यहाँ मेरा कोई नहीं है, कोई नहीं है। माँ मुझे अपने पास बुला लो, माँ मुझे अपने पास बुला लो। माँ माँ कौशल्या, कौशल्या देखो मेरी मानो। अरे कब तक यूं बाजार से मंगा के खाती रहोगी? अब तो उस बेचारी सीता को छोड़ दो, फिर उसकी तरफ डाली। बल्कि मैं तो यूं ही कह रहा था, आजकल उसके दिमाग में गर्मी आ गई थी समझे, 2 दिन पाखे करेगी, अकल ठिकाने आ जाएगी मनुष्य की। वो तो ठीक है लेकिन। लेकिन क्या? लेकिन कुछ नहीं। मम्मी, मम्मी वो लॉन्ड्री वाला अभी तक मेरी ब्लू साड़ी नहीं लाया, मुझे कॉलेज जाना है। अरे बेटा तुझे साड़ियों की कमी है, कोई दूसरी पहन लेना। हाउ कैन आई मम्मी, मैंने अपनी सहेलियों को प्रॉमिस किया था कि आज मैं अपनी ब्लू साड़ी पहनूंगी, वो लॉन्ड्री वाला कितना मीन है। बेटे मैं कुछ परेशान सा हो गया हूँ। अरे भाई तुम कॉलेज पढ़ने जाती हो या सहेलियों को साड़ियां और प्रोफेसरों को ब्लाउज दिखाने? चुप रहो जी, हमेशा उसके पीछे पड़े रहते हो। आए यही तो उम्र है पहनने ओढ़ने की। बेटा तू आज घर पे ही आराम कर, कॉलेज जा ही मत। बट मम्मी आई हैव टू गो, आज तो कॉलेज की फीस भी तो देनी है। हैं? कॉलेज की फीस? क्या आज पहली तारीख है जी? हाँ, हाँ वो कल 31 थी तो आज पहली तो होगी। फिर तो वकील साहब आते होंगे। हाँ आज पहली है तो गुप्ता जी तो आएंगे। आइए आइए गुप्ता जी, आइए तशरीफ लीजिए। क्या बात है, कुछ तबीयत ठीक नहीं मालूम होती आपकी? बस थोड़ा जुकाम सा हो गया, तशरीफ रखिए आप। तो किसी डॉक्टर को बुलवा लिया होता। अरे रामू चाय नाश्ता जल्दी ला भाई। नमस्ते जी। नमस्ते भाभी, किसी तकल्लुफ की जरूरत नहीं, मैं जरा जल्दी में था, सीता को बुलवा दीजिए। गुप्ता जी आप तो बस ऐसे आते हैं जैसे कोई फर्ज पूरा करने आए हों। ये फर्ज ही कुछ ऐसा है बद्रीनाथ जी, आपके भाई साहब ने तो अपनी सारी जायदाद का मुझे ट्रस्टी बना दिया, मगर रुपए पैसे जायदाद की जिम्मेदारी बहुत बुरी होती है भाभी। अजी गुप्ता जी आपने हमारी जिम्मेदारी तो देखी नहीं, बिन माँ बाप की बच्ची को हमने अपनी औलाद से बढ़ के पाला है, फिर भी धड़का लगा रहता है कि कहीं कोई ये ना कहे कि सीता की चाची ने सीता का ख्याल नहीं रखा। हाँ भाई ख्याल तो तुम बहुत अच्छी तरह रखती हो। फिर भी डर लगता है ना जी कि कोई जिम्मेदारी में कमी ना आ जाए। भाभी मेरी बात मानिए तो सीता के हाथ पीले कर डालिए, आपकी जिम्मेदारी भी खत्म हो जाएगी और मेरी भी। हाँ भाई साहब की वसीयत के मुताबिक हमारी जिम्मेदारी सिर्फ सीता की शादी तक है। वैसे आपने कोई लड़का देखा? लड़का लड़का
अजी भगवान झूठ ना बुलवाए, लड़के तो दर्जनों देख डाले, पर मुझे ऐसा लगता है कि अपनी सीता के लायक इस दुनिया में कोई लड़का है ही नहीं। गुप्ता जी आप भी कोई ढूंढिए ना, शायद कोई अच्छा लड़का मिल जाए। क्यों को चल रहा? आप भी देखिए, वैसे हम तो ढूंढ ही रहे हैं। मैं भी देखता हूँ। आओ बेटी। तुझे क्या जरूरत थी बेटी, नौकर किस लिए है? ला रख दे, मैं बनाती हूँ। बहुत शौक है घर के काम काज का, 100 बार मना करूंगी फिर भी चाची ये कर लूं, चाची वो कर लूं, कुछ ना कुछ करती ही रहती है। भाभी ये तो अच्छी बात है, लड़कियों को घर का काम काज तो करना ही चाहिए। क्यों बेटी कैसी हो, ठीक ठाक ना? हाँ जी। ये लो बेटी, तुम्हारी इस महीने की अमानत है। ले लो, ले लो, जरा गिन लो। अजी गिनने की क्या जरूरत है, पूरे ही होंगे। फिर भी मेरे इत्मीनान के लिए गिन लेती तो ज्यादा अच्छा। खैर आप कहते हैं, तो बेटी अपने चाचा को दे दे। लो बेटी ये लीजिए। शुक्रिया। पूरे गुप्ता जी? पूरे तो हो नहीं थे, गुप्ता जी तो खाम खाम मजाक करते हैं। मुझे क्या दे रहे हो, जिसका पैसा उसे दो। लो बेटी। लो। अच्छा बद्रीनाथ जी मुझे इजाजत दीजिए। अरे उतनी चाय तो पी ली थी। अरे जाने दो, उन्हें 10 काम और भी होंगे, यही काम नहीं रह गया। भाभी ठीक कहती है, मुझे बहुत जल्दी है। अच्छा नमस्ते। नमस्ते। जीती रहो बेटी। नमस्ते बद्रीनाथ जी। तू यहाँ क्या कर रही है, चल ये झूठे बर्तन किचन में रख। चल क्या हो जी? माजी। बड़े अरमान है भतीजी की शादी के, अरे इतना नहीं सोचते, जिस दिन इस चुड़ैल की शादी हो गई तुम जिंदगी भर सड़क पे बैठ के खटताले बजाओगे। हाँ भाई वो तो ठीक है। अरे चूल्हे में जाओ तुम और भार में जाए तुम्हारी। लेकिन वो भी ठीक है कौशल्या। सीता जी दादी माँ। अरे यहाँ तो आ बेटी। मेरे पास बैठ। कितनी सुंदर लग रही है तू, जैसे सचमुच राजकुमारी हो कहेगी। देख लेना अपनी दादी माँ की बात, एक दिन कोई राजकुमार चांदी के रथ पर आएगा और मेरी इस गुड़िया को बहुत दूर चांद के देश पे ले जाएगा। ये सब कहानियां हैं दादी माँ, कोई राजकुमार नहीं आएगा। वो आएगा मेरी बच्ची, मेरा दिल कहता है वो जरूर आएगा। दादी माँ तुम बहुत अच्छी हो। सीता, अरे ओ सीता। दादी माँ मैं जाती हूँ। जी चाची। जी चाची, अभी तक 56 छुरी बनी घूम रही है, उतार दिया जेवर और कपड़े, आग लगे तेरे सिंगार को। महारानी जी का जी नहीं चाह रहा जेवर उतारने को। अरे ला जल्दी कर, ये साड़ी तेरे घेस की है। जी मैं नीचे जाके उतारती हूँ। अरे नीचे जाके क्या उतारेगी, उतार अभी। मैं कहती हूँ उतार, उतार अभी, उतार। बड़ी लाजवंती है ना, बेशरम बेहया। उतार जा, जाके खाना पका। चल चाची। मैं चाची मैं क्या कर रही है, जाती नहीं उठाओ जूती। अच्छा तो उतार लिए कपड़े दीदी ने, ये बाकी के कपड़े क्यों छोड़ती है, ये तुम्हारे अपने हैं क्या? रंजीत बाबू। क्या बुढ़े जी, आपने सिगरेट मंगवाई थी, चला दे अपने बाप की समाधि पर, समझा? भगवान क्या तेरी इतनी बड़ी दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो मेरी सीता को इन रावणों से बचा सके। Thank you.
है खेल कोई पास कोई फेल, खिलाड़ी है कोई अनाड़ी है कोई, खिलाड़ी है कोई ओ बापू समझे क्या ओ लाला समझे क्या, खिलाड़ी है कोई अनाड़ी है कोई। जिंदगी है खेल कोई पास कोई फेल, खिलाड़ी है कोई अनाड़ी है कोई, खिलाड़ी है कोई ओ बाबू समझे क्या लाला समझे क्या, खिलाड़ी है कोई अनाड़ी है कोई। কুমুরাইয়া মারে কিল কুমুরাইয়া উড়ে, পারা পড়ছি উইটা বলে পথের চিরা কুড়ে। কুমুরাইয়া মারে কিল কুমুরাইয়া উড়ে, পারা পড়ছি উইটা বলে পথের চিরা কুড়ে। বাতে কম কর কাম জিয়াদা কাকা, হ্যাঁ হ্যাঁ কাম সে হোগা নাম জিয়াদা কাকা, সমঝে বাতে কম কর কাম জিয়াদা কাকা, আরে কাম সে হোগা নাম জিয়াদা কাকা। আরে 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 হারে হা উড়তি চিড়িয়া তেরে সদকে গির মত জানা, চলনা বচকে মিস্টার সমঝে ক্যা ও সিস্টার সমঝে ক্যা, খিলাড়ি হ্যায় কোই অনাড়ি হ্যায় কোই, খিলাড়ি হ্যায় কোই অনাড়ি হ্যায় কোই। एक कदम पीछे, अरे बैठ, झूम के पीछे घूम ओ नखरे वाली, हर लोग बजाएंगे खुश होकर ताली, ताली 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 रे, झूम के पीछे घूम ओ नखरे वाली, हर लोग बजाएंगे खुश होकर ताली। अरे 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 ऐसा जलवा मैं दिखलाऊं, सबके दिल को मैं धड़काऊं, पापे समझे जिंदगी है खेल कोई पास कोई फेल, खिलाड़ी है कोई अनाड़ी है कोई, खिलाड़ी है कोई ओ बाबू समझे क्या लाला समझे क्या, खिलाड़ी है कोई अनाड़ी है कोई, खिलाड़ी है कोई अनाड़ी है कोई। तेरे की क्या हो गया उस्ताद? कुछ नहीं जीना, अपनी तो साली बैड लक ही खराब है, सीधा अट्ठा दिया ना दिल्ली में। कल तो अट्ठा मारा था उसने, तुम क्या खेले थे? अरे मेरे को रात सपने में छक्का दिखा था, मैंने छक्का खेल दिया, घुस गया 2 रुपए मटके में। क्यों रे जीना आज क्या बोलता रे? उस्ताद आज तो एक का गिरे ही गिरे, बराबर गिरेगा बराबर। साले तेरे को तो डबल भी लग जाता है, अपने को तो सिंगल के भी बांधे हैं। चलो भाई लोग अपना अपना माल उठाओ, जियो गीता क्या बराबर की ढेरियां बनाई है। अरे राका तेरी तो 5 नोटां का बंदोबस्त हो गया, और वो 2 नोटांक जो तेरे पैर के नीचे हैं वो किधर जाएंगे? क्या मतलब? सीधी तरह पैर उठा और वो रुपए निकाल। अरे 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 ये इस पर चिल्लाता काहे को गिदड़ की तरह, यूं ही पैर पड़ गया होगा? तेरा पैर तो रोज पड़ता है, और जिस दिन ये 3 किलो का हाथ पड़ गया ना तो फिल्म के पोस्टर की तरह दीवार से चिपका दूंगा। अरे जा जा, तू क्या मुझे हाथ मारेगा, 36 का आंकड़ा बना दूंगी। गीता मेरा नाम है, मेरा नाम भी राका है, टांग तोड़ के हाथ में दे दूंगा। क्या तू मेरी टांग तोड़ेगा?
अरे मेरे को काड़ा दिखा रही है तेरी तो। अरे जाने दो जाने दो। अरे मेरे को काड़ा दिखा रही है। हट, चोरी करके ऊपर से चक्कू दिखा दिए। बोल उस्ताद को, चल हट चक्कू। अरे मेरे को इसे धंधा नहीं करना। ये क्या समझ के रस्सी के ऊपर बंदरी एक तरह नाचती है तो पब्लिक आती है? नहीं नहीं नहीं, तू जब बागेट बिल्ली की तरह कलाबाजियां मारता है ना, इस पर पब्लिक पैसा फेंकती है। अरे हो जाता है उस्ताद, धंधे में हो जाता है। अभी जरा सी बात पर काय को लफड़ा करने का? अरे क्या धंधे में हो जाता है, मेरे को कांटा काय को दिखाती है वो? तो कौन सी जर्मन की तोप दिखा दी? अरे कांटा ही तो दिखाया है। चलो अपनी खोली पर आराम करो। तू ज्यादा चमचागिरी मत कर छुटके, मैं तेरे दांत तोड़ दूंगा। गीता आ गई। माँ मुझे भूख लगी है, माँ मुझे भूख लगी है। अरे छोड़, पूजा की थाली गिराएगी। चल कभी मंदिर पे चला कर। पूजा की पूजा कर, मैं तो पेट पूजा करूंगी। अरे वो दीवानी, अभी तक खाना नहीं बनाया मैंने। ओ, हो गई छुट्टी। अरे खाना बनने में देर लगती है क्या? दो पल में आती हूँ, तब तक मैं आटा गूंथती हूँ। नहीं नहीं, बस मेहरबानी कर, कोई जरूरत नहीं रसोई में महाभारत मचाने की। आती हूँ। चल गीता बेटी, रात को काहे को आंखें फोड़ रही है? चीना कह रहा था आज फिर राका से तेरे चिल्लम चिल्ला हो गई। अरे ये तो रोज की बात है माँ, वैसे गलती मेरी थी। अरे ये क्यों झगड़ा करती है उस बेचारे से? कुछ कल की सोच, मेरा बुढ़ापा है, मेरी बात मान तो उसे का हाथ पकड़ ले। राका का हाथ? पर उसका हाथ पकड़ के क्या करूंगी माँ? अरे मूर्ख, मैं तो तेरे ब्याह की बात कर रही हूँ। किससे? राका से। आए हैं, ऐसी क्या बुराई है उसमें? जबान का जरा तेज है पर दिल का तो अच्छा है। माँ तुम सठिया गई हो। हाँ हाँ मैं सठिया गई हूँ, तुझसे तो कोई बात करना ही। क्या है? धूला आ रहा है। दीवाने खुशी से जी दीवाने, मौसम किधर है? है नहीं? अरे अरे तेरे अम्म, अरे राका की तरह ये भी पक्का है टूटा है भाई। देखा माँ, एक नंबर का बेवड़ा है, मैं इससे ब्याह करूंगी। हाँ हाँ, तेरी बारात तो चंद्रलोक से आएगी। आएगी और साथ में आएगा चांदी के रथ पर बैठकर एक राजकुमार। गुड शॉट रवि। थैंक यू गुप्ता जी। ये स्टिक देखिए आपने, देखिए कितनी लाइट है। ब्यूटीफुल। मैं लंदन से मेडिकल डिग्री के अलावा सिर्फ गोल्फ स्टिक लाया हूँ। दैट वे यू आर एन एक्सेप्शन रवि, वरना हमने देखा है लोग लंदन से डिग्री के अलावा और कभी कभी डिग्री के बजाय मेम लेकर आ जाते हैं। जो लाते हैं उन्हीं को मुबारक। मैं ये नहीं कहता गुप्ता जी कि वहाँ की लड़कियाँ अच्छी नहीं हैं, मोस्ट ऑफ देम आर नाइस गर्ल्स, लेकिन हमारे और उनके कल्चर में इतना फर्क है कि शादी, आई डोंट नो। तुम्हारे ख्याल में एक आइडियल बीवी का क्या इमेज है? एक सिंपल सी साड़ी पहनने वाली, अच्छा खाना पकाने वाली, सीधी सादी हिंदुस्तानी लड़की। पसंद तो आई जाएगी, क्योंकि सीता बिल्कुल वैसी लड़की है जैसी अपने डॉक्टर रवि को चाहिए। अरे कैसी लड़की चाहिए उस मुए डॉक्टर को? सीधी सादी हिंदुस्तानी, बिल्कुल अपनी सीता की तरह। सीधी सादी? हाँ। हिंदुस्तानी? हाँ हाँ। बिल्कुल अपनी सीता की तरह। बेशक। चीला बेटी जीती रहो। क्या यही? जी नहीं, ये मेरी बेटी है शीला, बीए में पढ़ रही है। मम्मी आंटी के लिए कुछ चाय कॉफी लेकर आओ। नहीं बेटा, तू बैठ जा, रामू कर लेगा, बहुत शौक है इसे घर के काम करने का। आजकल की लड़कियों जैसी तो आदत इसमें है नहीं। अच्छा बेटी, तो अपने साथ सीता को नहीं ले आई? जी वो घर अपने कमरे में। मैं ले आती हूँ, मैं ले आती हूँ। बेटा तू आंटी से बातें कर, मैं अभी आई। जी अरे रामू ये तो बता, एक नंबर कैसा है लड़का, तूने तो देखा ही होगा। देखने में तो भला लगता है, अच्छा ही होगा सीता बिटिया के भाग से। अरे सुन सुन, नाम क्या है उसका? रवि बेटे तुम बहुत चुप हो। छेन क्या बोलूं? बेटे बोल लो जितना भी बोलना है, शादी के बाद बोलने का मौका बहुत मुश्किल से मिलता है। यो बद्रीनाथ जी।
सीता चल, नहीं तो चल जी चल। बैठो ना। क्या यही सीता है? जी हाँ। गुप्ता जी ने तो हमें और ही कुछ कहा था। अब गुप्ता जी तो 18वीं सदी की बातें करते हैं, आजकल की लड़कियां फैशन नहीं करेंगी तो क्या हम तुम करेंगे? और फिर ये तो तरक्की का जमाना है, क्यों रवि? हाँ रवि, लगता है आजकल हमारे देश ने विलायत से भी ज्यादा तरक्की कर लिया। सीता बेटी, ये सब तुम्हारे हाथ की चाय पीना चाहते हैं, जाओ चाय ले आओ, जाओ जाओ। रामू, सीता को ट्रे दे दो। आप लोग इस तरह जा रहे हैं चौधरी साहब, ऐसे ऐसे नहीं। बद्रीनाथ जी, जरा देर भी हो गई है, अब फिर आएंगे बैठेंगे। आओ बेटा रवि, चले आओ जी। लेकिन चौधरी साहब, चलिए जरा सुनिए चौधरी साहब, भगवान के लिए एक पल को रुकना भैया। चौधरी साहब, यह हमें जलील करके मत चाहिए, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, जो आप समझ रहे हैं वो गलत है। मेरी सीता ऐसी नहीं है, वो आपकी बहुत सेवा करेंगी, भगवान के लिए चौधरी साहब। लेकिन मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? बेटा रवि, इस रिश्ते को स्वीकार कर लो। मैं बेटा, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मैं तुम्हारा पैर पकड़ती हूँ। नहीं दादी माँ, बस कीजिए, बस कीजिए दादी माँ। रवि, कौशल्या, ये तुमने अच्छा नहीं किया। कौन हो सकता है? बस एक मैं ही तो हूं
जो तुम्हारा दुख देखकर खून के घूस पी कर रह जाता हूँ। लेकिन गम क्यों करती हो रवि? क्या तुम्हें हजार गुना अच्छे लड़के मिल सकते हैं? रंजीत बाबू आप यहाँ से चले जाइए। तुम्हारा भी जवाब नहीं, जिसे जान ना पहचान उसका शोक मना रही हो, और जो मरते हैं तुम पर उनकी तरफ हाथ उठाकर देखते भी नहीं। आप यहाँ से जाइए, नहीं तो नहीं तो क्या करोगी? नहीं तो मैं शोर मचा दूंगी। शोर मचाओगी लेकिन बदनामी तुम्हारी होगी, सोच लो। रंजीत बाबू चले जाइए, शोर मचाओ, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। बोल कहाँ मेरा बटुआ? चोर कहीं की चोर? मैं बताओ कहाँ मेरा बटुआ? चोर कहाँ है चोर? आपकी आंखों के सामने। चाची चाची ये झूठ बोल रहा है। जब तुझे बोलने के लिए कहा तब बोल। क्या हुआ रंजी? दीदी दोपहर में ये मेरा कमरा साफ करने आई, उसके बाद बटुआ गायब, कौन ले जा सकता है इसके सिवा? क्यों री जलील कमीनी, तूने ये चक्कर में शुरू कर दी। चाचा जी मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कोई चोरी नहीं की, आप चाहे तो मेरी तलाशी ले सकते हैं। हाँ हाँ कौशल्या, अगर चुराया होगा तो यहीं कहीं होगा, तुम पहले देख तो लो। हाँ दीदी तुम भी तलाशी लो, मैं तलाशी लेता हूँ। ये रहा दीदी। दीदी तुम हट जाओ यहाँ से, तुम्हारी मार का असर कुछ नहीं होगा इस डकैतनी पर। चोर कहीं की मैं तेरा खाल खेते। मुझे खुशहाल बचाएगी तुझे। दादी माँ मुझे बचा ला, इसे छोड़ दे रंजीत, मैं तेरा हाथ छोड़ती हूँ, इसे मत मारो रंजीत। तो समझा ले इसे बुढ़िया, अपनी हैसियत से रहे वरना मार मार के चमड़ी उधेड़ दूंगा। दादी माँ चुप हो जा मेरी बच्ची, चुप हो जा, मत रो मत रो। ये पूछो क्या नहीं हुआ, जानती हो तुम्हारी भतीजी ने क्या गुल खिलाया? सीता ने अब क्या किया है उसने? अरे करती क्या, कंपक भाग गई। सीता भाग गई? हाय राव अब क्या होगा, क्या मुंह दिखाएंगे लोगों को, हमारी तो नाक कट गई। नाक नहीं यूं कहो जेब कट गई। हाँ। तुम लोग उसके साथ ऐसा बर्ताव कर रहे थे तो उसे भागना ही था। अरे अब यूं खड़े लेक्चर देते रहोगे या कुछ करोगे नहीं? कुछ करना तो चाहिए लेकिन क्या करूं? अरे उसे ढूंढो, पुलिस में रिपोर्ट कराओ, फोन कराओ, चलो जल्दी। हाँ हाँ जल्दी उसको छोड़ो। अरे इसको तो छोड़ दो ना, मुझे तो आजकल उसके लक्षण बिल्कुल पसंद नहीं थे, बहुत तक तक दीदे चलने लगे थे उसके। हाय राम आज सुबह रंजीत को भी दिल्ली जाना था। अरे लाइन लगी। हेलो पुलिस स्टेशन। हेलो इंस्पेक्टर राणा स्पीकिंग। देखिए मैं बदनाथ बोल रहा हूँ, बात यह है कि हमारी बेटी भतीजी, हाँ जी मेरा मतलब है कि हमारी भतीजी सीता घर से यानी कि कुछ चली गई। जी चली गई,
हम बहुत परेशान हैं। जी हाँ जी, क्यों चली गई जी? बात यह है कि उस बेचारी का कुछ दिमाग। ऐसा कीजिए, आप पुलिस स्टेशन आ जाइए, आपकी रिपोर्ट लिखवा देते हैं, और हाँ उस लड़की का फोटो भी लेते आइएगा। जी हाँ हाँ बेशक जी, थैंक यू वेरी मच। हाय, वो नहीं मिली तो हमारा क्या होगा? वो कंबख्त गुप्ता का बच्चा तो हमें फूटी कौड़ी भी नहीं देगा। हे भगवान, अब तेरा ही सहारा है। मौसी, मौसी क्या पकाया आज? अरे बेटा, चूल्हा गरम होके ठंडा हो गया, गीता का पता ही नहीं, जाने तरकारी लेने गई है या उगाने गई है। गीता तरकारी लेने गई है? ठीक है मौसी, फिर तो भगवान का नाम लेके व्रत रख लो, वो वहाँ गली के बच्चों के साथ गोटियां खेल रही है। क्या, मैं यहाँ रास्ता देखती हूँ और वो वहाँ गोटियां खेल रही है? तू सच कहता है ना? अरे मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ मौसी। मौसी बुरा नहीं मानना, अच्छा नहीं लगता एक जवान लड़की बच्चों के साथ इस तरह गोटियां खेले। आज मैं इसकी हड्डी पसली एक करती हूँ। ठहरो मौसी। ला बेटा ला, आज इसे बताती हूँ। गोटियों में बहुत लगा है, ये तो जीते ही जीते। क्यों बस, क्या सबकी गोटियां खिलाए? हाँ खेल खेल ले, खेल निकाल निकाल निकाल। कौन सी गोटी मारो? हरी गोटी को मार, हरी गोटी, हरी हरी वाली, हरी वाली, हरी वाली। अच्छा। लाइन के आगे पांव बाग रखिए। मैं लाइन से आगे गई? बहुत बोलता रे, दूंगी एक लाफा। चलो वो जल्दी करे, टाइम बाग लगाती है। उल्टी बात पे मेरे को बहुत खुन्नस आती है। कौन सी, हरी वाली? हरी वाली। दो घंटे से घर से गुल है, बहुत दिल खुश किया है तुमने मेरा। वो तो माँ और आका का, क्या उसने मुझे बताया? अच्छा तो इसने आग लगाई है? क्यों रे हल्का, तुझे मैं कब तक खा जाऊंगी? बिल्ली, जंगली बिल्ली। जंगली बिल्ली बोलता है? तू होगा पागल बिल्ला, तेरा बाप होगा। क्या समझती है अपने आप को, जब देखो मारती रहती है। देखो घर छोड़ के चली जाऊंगी, फिर ढूंढते फिरना। अरे ढूंढे तुझे मेरी चूती। राका पकड़ तो इसे। अरे ये तो गई मौसी, अपने धंधे का क्या होगा? अरे क्या मौसी, छोटी छोटी बात पे लफड़ा खड़ा कर देती हो तुम। वो बेचारी गोटी खेलने जा रही, क्या कर रही थी? बच्चों को डंडे से मारते। अच्छा देखो भाई, तेरा सत्यानाश, जा। इतना बड़ा हो गया अभी भी रोता है? क्या हुआ तेरे को, किसने मारा तुझे? अरे बोलता क्यों नहीं रे? मेरे स्कूल के पीछे उस आदमी ने। अच्छा, जुगाड़ में हार गया था स्कूल का फीस, खेला काई को था रे। अच्छा चल मेरे साथ। लगाओ, लगाएगा पाएगा नहीं तो खड़ा खड़ा पछताएगा। लगाओ, देखो देखो बादशाह है, लोचा खा गया। लगाओ, लगाओ बेगम, पकड़ो बेगम। अरे ओ चिड़ी के गुलाम, बेगम इधर है। शर्म नहीं आती इतने छोटे बच्चे के साथ चार सौ बीसी करते हुए? अरे तो जेब थोड़ी काटी है, जुगाड़ में हार गया तो मैं क्या करूँ? अरे तेरी जुगाड़ क्या जेब काटने से कम है? निकाल इसका पैसा। और नहीं दूंगा तो क्या करेगी? क्या करूंगी, तेरी आँख खुलेगी तो पुलिस थाने में होगा। अरे तेरे पुलिस की तो किसके बाप में दम है जो मुझे पुलिस में ले जाए? तेरे को क्या, तेरे बाप को भी ले जाऊंगी। चल धंधा चालू कर दिया। कड़की थी साहब। सकाराम कितने पैसे थे जेब में? 20 रुपए। इसको ले जाओ, बंद कर दो और इसकी जेब से 20 रुपया निकाल के इसको दे दो। और सुनो, खेलोगे तो तुमको भी बंद कर दूंगा, समझे? चलो चलो। और सुनो तुम जाओ हॉल। अच्छा देखो, तुम्हारे साथ आओ, तुम्हारा बयान ले। मेरा बयान? सीताराम एक ग्लास पानी लाओ। बयान तो दे देगा साहब, अपन कोर्ट कचहरी के लफड़े में नहीं पड़ेगा। अपन ठहरे काम धंधे वाले लोग है कि नहीं, आप ही बोलो। अजीब बात है, आप यहीं चली आई?
जी मैं बड़ी बिंदास हूँ, कहीं भी चले जाती हूँ। हेलो कौन? बदीना जी, वो मिल गई। जी हाँ यही है। आप ऐसा कीजिए, आप जल्दी आ जाइए, हैं 5 मिनट। साहब मेरा बयान अभी लिखवाता हूँ। लेकिन एक बात बताओ, तुम इस तरह घर से चली क्यों आई? बात ये है साहब, ये रोज रोज के खिटखिट अपन को पसंद है, बस चली आए, अब ढूंढते होंगे। कोई बात नहीं, मैंने उन लोगों को टेलीफोन कर दिया है, वो लोग आते ही होंगे। कौन लोग? तुम्हारे चाचा और चाची। क्या 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 क्या? मेरे क्या चाचा और चाची? मेरा न कोई चाचा है न चाची। बुरी बात है, छोटे मोटे झगड़ों से कहीं रिश्ते थोड़ी टूट जाते, ऐसा नहीं कहते सीता। सीता? ए भाई ये क्या घोटाला है, मेरा नाम सीता नहीं गीता है और मैं जा रही हूँ जयराम जी की। अरे पकड़ो जाने पाए, तुकाराम सखाराम सखाराम पकड़ो। इंस्पेक्टर साहब जल्दी बताइए कहाँ है। हाँ क्या कह रहे हैं आप? खुद ही देख लीजिए। बेटी नीचे आ जाओ, बेटी ऊपर आ जाओ मोटी। मालूम होता है ये तो सचमुच पागल हो गई है। सीता बेटी हम तेरे चाचा और चाची हैं। सूरज से तो चमचा और चमची लगते हो। हम तुझे घर ले जाने आए हैं बेटी। मुझे क्या अपने बाप का मान समझ लिया जो घर ले जाओगे? देखो लड़की, अगर तुम सीधी तरह नीचे नहीं उतर आओगी तो मैं पंखा चला। अरे पंखा वंखा मत चला भाई, पंखा वंखा मत चला, नीचे बोल दो नीचे आ जाती हूँ, ऐसी भी क्या बात है। चाचा बेटी चमची, मेरा मतलब चाची, कौन सा तेल लगाती हो? क्या कहा साहब, हम अपनी भतीजी को ले जा सकते हैं? अगर आप ले जा सकते हैं तो ले जाइए महाराज। अजी अब चलो, अभी चल रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब, चलो बेटी चलो चलो। तुकाराम नमस्ते भाई। नमस्ते जी, नमस्ते, बड़ी मेहरबानी आप लोगों की हम पे। अरे अब आओ भी जल्दी। हाँ भाई चलो ना। उतर नीचे। वाह 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 वाह, गाड़ी तो क्या चीज है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास है ना रूप। अरे क्यों चाचा? हाँ। हम जा कह रहे हैं। घर जा रहे हैं और कहाँ? घर? हाँ। किसका घर? सब पता लग जाएगा, तेरा घर चल, मारे जूतों के तेरी चट्टी ना बना दूँ तो मेरा नाम नहीं जुड़े। ये कोनी क्यों मारती है मोटी? क्या कहा? नहीं नहीं सिर्फ प्यार से कहा मोटी, सुन रहे हो जी? जाने तो बच्ची है, तेरी 2 गज लंबी जबान काट के फेंक दूंगी तेरी ये वजह। अरे अरे ये क्या चक्कर है, थाने में तो बेटी बेटी और बाहर निकलते। चुप रहो। अरे बहुत पकड़ो ना जल्दी, अरे जल्दी पकड़ो। अरे बेटी वो हमारी बेटी है ना, वो पागल है, उसे हम अस्पताल ले जा रहे थे, हाथ छुड़ा कर भाग गई। जरा पकड़ दो बेटा, जरा पकड़ दो, जरा पकड़ दो बेटा, जरा जल्दी जरा जल्दी जरा जल्दी। तुम क्या कर रहे हो? चलो ना पकड़ो। चलो
हो जाए तो बात ऐसी करनी चाहिए। अच्छा हाँ, एक बात तो बताइए, आप इस गाड़ी में कहाँ से आ गई? कहाँ से आ गई? दरवाजे से। और कहाँ से? मेरा मतलब था आप इस गाड़ी में कहाँ बैठ गई? कहाँ बैठ गई? सीट पर। मेरा मतलब है। क्या मतलब है? पूछिए ना। अच्छा छोड़िए जाना। अच्छा एक बात बताइए, आप जा कहाँ रही? आप कहाँ जा रहे? मैं तो अपने माँ बाप से मिलने महाबलेश्वर जा रहा हूँ। तो क्या इधर की आधी गाड़ी महाबलेश्वर जाएगी और इधर की और कहीं? अगर भगवान ने चाहा तो जाएगी तो पूरी है। तो फिर क्यों पूछ रहे हैं? मैं भी वहीं जा रही हूँ। आपका तो जवाब नहीं है। मेरा तो जवाब नहीं है, मगर आपके तो सवाल बहुत है। हाँ, क्या बात है, तुम तो कोई बहुत बड़े आदमी लगते हो। लगता हूँ, लेकिन मुश्किल ये है कि आदमी जो लगता है वो होता नहीं। अब देखो ना, क्या लग रही थी उस दिन? उस दिन? किस दिन? उस दिन। उस दिन? हाँ, उस दिन। क्या लग रही थी? एक बेवकूफ सी घेगली सी फैशन की मारी लड़की जो अभी अभी पाउडर के बोरे से निकलकर क्रीम से लथपथ होकर लिपस्टिक लगा के नहीं चबा के आ रही। मैं? और नहीं तो क्या मैं? और आज देखो, जानती हो तुम इन कपड़ों में क्या लगती हो? क्या? बंजारन। वो तो मैं हूँ। तुम क्या हो ये तुम्हें नहीं जानता, लेकिन जानना जरूर चाहता हूँ। छोड़ो इन बातों को, इससे पहले कि मम्मी डैडी आ जाए तुम इन कपड़ों के बजाय एक अच्छी सी साड़ी पहन लो। साड़ी? हाँ साड़ी। लेकिन इनमें क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं है, अच्छे हैं। लेकिन क्या ये जरूरी है कि जब भी मेरे माँ बाप तुम्हें देखें तुम हमेशा फैंसी ड्रेस में हो? जरूरी है? जरूरी तो नहीं। तो भी चलो। हाँ हाँ चलो। ये मेरी बहन का कमरा है, निर्मला का। शादी वादी हो गई आजकल जर्मनी में। अरे हाँ, उसकी कुछ साड़ियां हैं इसमें, जो भी पसंद आए पहन लो। पहन लो? हाँ अभी पहन लेती हूँ।
skates. 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 इसके छोड़ो जाने दो, इसको वो पैरों पे बांधते हैं और अब चलते हैं चलते हैं अच्छा वो मेरे ख्याल से मम्मी डैडी आ गए, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं भी आता हूँ। हेलो मम्मी। हेलो सैंग। हेलो डैड। बेटा माली कहता था तुम्हारे साथ कोई लड़की लड़की हाँ वो सीता ना, सीता मुझे रास्ते में मिल गई और मैं तुम उसे यहाँ ले आए, क्या जरूरत थी? देखे डैडी, मम्मी सीता के बारे में जो आज तक हम सोचते थे ना, सीता वैसी लड़की बिल्कुल नहीं है। और वो जो कुछ उस दिन हमने देखा, उस दिन जो हमने देखा था वो सिर्फ ड्रामा था। ड्रामा? ड्रामा? हाँ मम्मी ड्रामा, आज तुम्हें उसे देखकर एकदम हैरान रह गया। She gave me a real surprise. मम्मी वो तो बहुत ही स्मार्ट लड़की, बहुत अच्छी लड़की है। उसे देखे बगैर आपको भी यकीन नहीं आने वाला। आप यहां ठहरिए, मैं उसे लेकर आता हूं। तैयार हो गए? स्केट्स वो पैरों में बांध के चलते हैं फिसलते हैं कभी कभी। अच्छा मेरे डैडी मम्मी से नहीं मिलो? हाँ तो फिर चलो चलो। चलो हाँ चलो चलो चलो। ओफो तुम एक हिंदुस्तानी लड़की हो ना, इसीलिए मेरे डैडी मम्मी के सामने शर्माना तुम्हारा फर्ज है, समझे? समझी। चलो शर्माओ। पहले चलो तो शर्माओ ना। अरे हाँ चलो। ज्यादा हो रहा है हाँ ठीक है अब चलो। हाँ चलो, लेकिन मुझे वहां जाके करना क्या है? कुछ नहीं, पहले हाथ मिलाना है जी? अरे आई एम सॉरी, गड़बड़ हो गई, पैर छू लेना है ना। आपके? अरे मेरे नहीं, मम्मी के। फिर? डैडी के। फिर आपके? बाद में देखेंगे। हाँ हाँ डैडी मम्मी आप तो जानती हैं ना। आओ आओ बच्चों बैठो। आप भी बैठे ना। बैठे ना। और सब अच्छे हैं ना? अच्छे? हाँ हाँ सब अच्छे हैं, मुझे तो सब अच्छे लगे अभी। अरे मैं यहाँ की बात थोड़ा ही कर रहा हूँ, तुम्हारे चाचा और चाची कैसे? बाप रे, ये चाची मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी जी। वो क्यों बेटी, क्या तुम्हारे साथ उनका सलूक अच्छा नहीं? पब्लिक के सामने तो बड़े प्यार से बात करती है, बेटी 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 बेटी, लेकिन अकेले में एकदम भूतनी बन जाती है। देखा माँ, मुझे उसी दिन डाउट हो गया था, डैडी मैंने अपनी आंखों से देखा था, वो लड़की थी ना, क्या नाम, शेलू शीला, उसने से टांग मारी थी। देखो झूठ मत बोलना, टांग मारी थी। अरे इतनी सी छोटी सी बात के लिए क्या झूठ बोलना। हाँ टांग तो मारी थी बराबर। हाँ टांग मारी थी। यानी कि उस दिन जो हमें दिखाया गया वो सब एक तमाशा था? अरे तमाशा तो मुझे रोज करना पड़ता है, आप ही बताइए, तमाशा नहीं करें तो और क्या करें? इस पापी पेट के लिए मुझे सब कुछ करना पड़ता है। आए है? तुझे क्या जरूरत है, तू कौन से उनके टुकड़ों पे पलती है? अजी मैं तो कहती हूँ मुझे तो नफरत हो गई उन लोगों से, उस दिन किस हुलिये में से हमारे सामने लाए थे, और आज देखा कैसी अच्छी लगती है जी मैं मांगे के कपड़े में हमेशा अच्छी लगती हूँ
कुछ भी कहो, लड़की में बनावट बिल्कुल नहीं है। बेटी तुम्हारा सामान कहाँ है? जी सामान सामान हाँ सामान हाँ सा, 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 सामान सामान बात यह दरिल और बात यह मम्मी कि इनका सामान पीछे पीछे रहेगा और ये आगे 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 पीछे सामान। बेटी घर में तो कह के आई हो? अरे इस गड़बड़ झाले में मैं तो भूल ही गई कि मेरे इस दुनिया में कोई है भी। भगवान मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। कहते हैं जिसका कोई नहीं होता उसका तो होता है। मैं तेरी शरण में आ रही हूं। क्या बात है, क्या कृति मारा यार, एकदम जबरदस्त तैरने वाला है। अबे उस्ताद वो तेरा जबरदस्त तैरने वाला तो अंदर गए ला, वो तो जा रहा है, डूब रहा है ला। अबे 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 ठहर जा पत्थर। मौसी ओ मौसी 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 गीता गीता क्यों रे, क्या हुआ गीता को? राका ला रहा हूँ से, गीता दरिया में आत्महत्या कर रही थी। गीता गीता उठ बेटी उठ जा बेटी गीता, अरे ये बोलते भी नहीं। मैं घबरा नहीं बेटी, तू बिल्कुल ठीक है। मुझे क्यों बचाया, मुझे मर जाने दिया होता? नहीं नहीं बेटी, मरे तेरे दुश्मन, इतने झगड़े में कोई जान थोड़े ही दे देता है। अभी मेरे को क्या मालूम था मजाक मजाक में इतना बड़ा लफड़ा हो जाएगा, अब ठीक है। ये सब क्या है, आप कौन है? तुझे क्या हो गया है, मैं तेरी माँ हूँ गीता। गीता मैं सीता हूँ। हाय राम, क्या हो गया है मेरे लड़के को? बेटा ऐसी बातें ना कर पगले, अब तुझे कोई नहीं डांटेगा कोई नहीं मारेगा, मैं तुझे प्यार करूंगी। मेरे पास आ, मेरे गले लग जा, अपनी माँ को छोड़कर नहीं जाएगी ना, नहीं जाएगी ना बेटा। माँ रोते नहीं, क्यों रोती हो? आ बेटा। माँ बाप रे, इस तरह जल्दबाजी करोगी ना तो तुम्हारी एक न एक हड्डी जरूर टूट जाएगी। टूटती है तो टूटने दो, तुम डॉक्टर किस काम के हो? वो बांधो ना वो सफेद सफेद, वो क्या होता है? सफेद सफेद? अच्छा अच्छा प्लास्टर। बिलास्टर? हाँ हाँ ब्लास्टर नहीं प्लास्टर। प्लास्टर पी नहीं प्ला, खैर छोड़ जाने दो। देखो अगर तुम्हें सचमुच स्केटिंग सीखनी है ना तो मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो पूरा वजन आगे के पहियों पे रखना चाहिए, क्यों समझी? तुम क्या करती हो, पीछे के पहियों पर वजन रखती हो और इसलिए तो डॉक्टर साहब अगर आपको सचमुच स्केटिंग सीखना है तो एक बात जरूर याद रखिए, अपना वजन पिछले पहियों पर नहीं अगले पहियों पर रखना चाहिए। ऐसे 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 ऐसे। अरे अरे ए ए ए ए हवा के साथ साथ, अरे रे रे, घटा के संग संग, संभालना। हवा के साथ साथ घटा के संग संग, ओ साथी चल मुझे के साथ चल, तू यूं ही दिन रात चल, तू संभल मेरे साथ चल, तू ले हाथों में हाथ चल, तू ओ साथी चल।
के साथ चल तू, यूं ही दिन रात चल तू, संभल मेरे साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू, तो साथी चल। एक तो ये मौसम है बड़ा सुहाना, ला 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 ला, एक तो ये मौसम है बड़ा सुहाना, पे अपना दिल भी है दीवाना, पर्वत से आके ना टकरा जाना, तू बन के बादल ओ साथी चल, मुझे लेके साथ चल तू, यूं ही दिन रात चल तू, संभल मेरे साथ चल तू, दे हाथों में हाथ चल तू, वो साथी चल। अपनी आंखों में बसने दे, बनके काजल ओ साथी चल, मुझे लेके साथ चल तू, यूं ही दिन रात चल तू, संभल मेरे साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू, ओ साथी चल। अपनी रेशमी जुल्फें लहराने दे, ला 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 ला, अपनी रेशमी जुल्फें लहराने दे, मुझको अपनी बाहों में आने दे, थक गई आज बहुत मैं अब जाने देना, मिलेंगे फिर कल ओ साथी चल, la 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 नीचे। कौन सी पुलिस चौकी है? पुलिस चौकी? क्या अपना घर नहीं पहचानती? मेरा घर? ओ, बात क्या है इंस्पेक्टर साहब, जब मैं अपना घर छोड़ के गई थी तो छोटा सा था, खोली के बराबर,
देखते हो चार दिन में कितना बड़ा हो गया। चलो चलो ले चलो इसे। अरे हमने सच बोला ना, ये अपना घर नहीं है भाई। तुमको बोला ना, समझते क्यों नहीं भाई? अरे ये मेरा घर नहीं है। नहीं समझे, नहीं समझे, मिल गए। अरे बाप रे, बद्रीनाथ जी आप ही हैं? मैं जी। अरे सोच क्या रहे हो, तुम ही तो हो बद्रीनाथ, बोलते क्यों नहीं? जी, जी, क्या यही आपकी भतीजी सीता है? अरे नहीं भाई। अरे तो कहाँ चली गई थी सीता मेरी बेटी? महाबलेश्वर गई थी हाथी मेरे साथी। आप लोग इसका इलाज क्यों नहीं करवाते? आप फिक्र मत कीजिए इंस्पेक्टर साहब, अब इसका ऐसा इलाज होगा कि इसका दिमाग बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अच्छा तो हम लोग चलते हैं। हाँ चलिए। तू कहाँ चली बेटी? अच्छा भाई देखो, मजाक मजाक बहुत हो गया, अब मेरे बेटी सीता, सीता मेरी बच्ची सीता, सीता सीता मेरी बच्ची, तू कहाँ चली गई थी? अपनी दादी माँ को छोड़कर कहाँ चली गई थी बेटी? आदि तो तुम कहाँ चली गई थी? हाँ हाँ लगा ले कलेजे से, अब क्या कस्बे बहाती है बुढ़िया, जरा पूछ कहाँ मुँह काला करने गई थी कम्बख्त। अब खत्म करो कौशल्या, मेरा मतलब है क्यों अपना मुँह खराब करती? तुम चुप करो जी, तुम्हें इसे सर पे चढ़ा रखा है, कान खोल कर सुन ले, अगर फिर कभी इस घर से कदम बाहर रखा तो तेरी टांगे तोड़ दूंगी। चल बेटी, अब तुम क्या खड़े उसकी आरती उतारोगे? चलो ऊपर। अरे क्या हो गया? बेहोश हो गई बेचारी। दादी माँ उठो ना, दादी माँ उठो ना, दादी माँ उठो ना। चलो बिटिया इन्हें कमरे में ले चले। चला क्या बताऊं बिटिया, तीन दिन से बुखार में भून रही है, कोई पूछने वाला नहीं। ये देखो दवा दारू तो दूर की चीज है, जब से तुम गई इन्हें ठीक से खाना मिल गया हो तो ये भी बड़ी बात है। और दीदी एक दिन दादी माँ ने मम्मी से दवा मांगी तो मम्मी ने दादी माँ को बहुत सारी गालियाँ दी, पता नहीं क्या क्या कहा। अपनी चाची का स्वभाव तो तुम जानती हो बेटी, तुम्हारा सारा गुस्सा इन्हीं पे उतरता था। सीता मेरी बच्ची है, तो मेरी बच्ची है, मेरी बच्ची। मैं दादी माँ मैं यहाँ हूँ तुम्हारे पास हूँ, मेरी बच्ची तू मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी सीता? बेटी अब तो मुझे छोड़कर नहीं जाएगी ना, पर मेरी बच्ची तू चली गई तो मैं मर जाऊंगी, नहीं जाएगी ना बेटी? नहीं दादी माँ मैं नहीं जाऊंगी, जब तक तुम्हारी आंखों में आंसू है, जब तक तुम्हारे दिल में दर्द है, जब तक इस घर में जुल्म है, मैं यहां से नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। उस्ताद उस्ताद क्या रे? अरे क्या जबरदस्त खबर आई है, अमेरिका के लोगों ने चांद पर गाड़ी चलाई। अरे साला फेंकता है, कौन चांद पर गाड़ी चलाएगा? अरे नहीं उस्ताद फोटो आई लाए देखो। अरे हाँ ये तो चला है। अरे अमेरिका वाले तो कहीं भी गाड़ी चलाएंगे, अपनी गाड़ी तो फिर बंद हो गई। चीना क्या हो गया छोकरी को, एकदम ठंडी हो गई यार। अरे यही तो मैं सोचता हूँ उस्ताद, पानी में डुबकियां क्या खाली, ये तो देवी बन गई। अरे आजकल बात क्या करती है? आइए बैठिए। मेरे को बड़ी खुन्नस आती है, सब धंधा ही बंद कर दिया, ये नहीं आती ना है, अपन आज काम पे जाएंगे, कंटाल आ गया बैठे बैठे। पूछ लेना इससे भी उस्ताद, अरे चलती है तो चले। अरे मेरे को नहीं पूछना, तेरे को पूछना तो जा पूछ। अच्छा
मान जाए तो अच्छा ही है। क्यों, कब तक चलेगी तेरी ये हड़ताल? हड़ताल? अरे इतने दिन हो गए घर बैठे, कुछ काम धंधा नहीं करना क्या? काम धंधा हाँ करना है। तो चल काम पर। जरा माँ को आने तो मैं पूछ लेती हूँ। अरे बेटी, ले आ गई मौसी। तूने तो सारे ही कपड़े धो डाले, अब पूछना। माँ मैं काम पर जाऊँ। बेटी जी चाहता है तो जा, नहीं तो घर में बैठ। मौसी घर में बैठी बैठी क्या करेगी ये, देखने कैसी गुपचुप बीमार सी हो गई है। जरा घूमे फिरेगी तो बदन में जान आ जाएगी इसके। मुझे मत पूछ, तू जाने और ये जाने। ठीक है चल चल। चलिए चलिए, इन्हीं कपड़ों में चलिए। अरे चल दे दो ना उस्ताद, कोई को खोटी करते हो। अरे रस्सी पे। ठीक है इन्हीं कपड़ों से टाई मारते हैं, चल। हाँ तुम मेहमान कदरदान, जानता हूँ कौन सा खेल कौन सा तमाशा देखने के लिए आप अपने काम धंधा बिजनेस बंद करके यहाँ खड़े। माई बाप ये खेल कोई मामूली खेल नहीं है, तमाशा कोई मामूली तमाशा नहीं। जमीन के ऊपर आसमान के बीच इस पतली रस्सी पर चलने के लिए नागिन का बदन, हिरन का पैर, शेर का कलेजा और चील की आंख चाहिए। माई बाप एक बार पैर फिसल जाए तो जिंदगी भर बैसाखी पे चलना पड़े। लेकिन इस पापी पेट की खातिर यह लड़की अपनी जान जोखिम में डालेगी। लड़का एक कदम पीछे जा बच्चा, आप में से जो भी बाबू मिस्टर सेठ साहब 10 पैसा 20 पैसा 40 पैसा रुपया 2 रुपया फेंकना चाहे चादर में फेंक दे। हेलो साडा एडवांस। ओ सत श्री अकाल सरदार जी। ओ बाबू जी साडा भी एडवांस ले लो, लेकिन शो का मजा आ जाना चाहिए। ओ सरदार जी का बाणी वाला चोला बजा, ताले बजाओ। हां तो मेहमान अब आपके सामने आ रही है वो लड़की जो रस्सी के ऊपर इस तरह चलेगी जैसे पटरी पर रेलगाड़ी। जमुरई हां स्टार जा तल पे ढोल। आ रही है वो लड़की, आ रही है, आ रही है। छोकरी से अपनी भागीदारी खलास, एकदम फिनिश है। कितना काहे को गुस्सा करता है जरा सी बात पर? जरा सी बात ये तो कहो, बच गया मैं, मरवा दिया था इसने मुझे। चलना तेरे को कौन मार सकता है? अरे तू बॉम्बे की पब्लिक को नहीं जानती मौसी, खोसा तो खोस, बिगड़ी तो थोबड़ा बिगाड़ के रख देती है। अरे इसे धंधा नहीं करना था तो बोल देती, इतने लफड़े की जरूरत थी? मौसी जरा सुई धागा दे। हां साली सड़के भी लग गए और जो माल पॉकेट में था वो भी गया। खाने के भी वांदे हो गए उस्ताद। है तो यही खा लेना, ले। जब से इसने दरिया में कूदी मारी है मौसी तो उसका ज्यादा ही लाड करने लगी है। अबे घोस घोस। लाइए मैं सी दूं। तू सिएगी है? चल फट लाइए ना। लीजिए कमीज दे दीजिए, मैं सी देती हूँ। यार चीना ये टेलर मास्टर कब से बन गई? उस्ताद एक बात बोलूं, जब छोकरी सुई धागे पर चलना सीख जाए तो समझो रस्सी पर नहीं चल सकती। हाँ
राका चला बेटा खाना खा ले। पालक का साग उड़द की दाल, क्या बात है मौसी। उस्ताद मैं तो चालू होता हूँ। मजा आ गया, क्या साग बनाया मौसी, जी चाहता है तेरे हाथ चूम। अरे ये मैंने नहीं, इसने बनाया है। इसने? देखा ना, चार दिन घर क्या बैठे सारा काम काज सीख गई। उस्ताद तुम साग बनाने पर मौसी का हाथ चूम रहे थे, अभी क्या बोलते हो हैं? चबा चल कर आप, उम्र से बड़ी बात है। ओ दीदा, क्या हुआ बेटी, कब से पुकार रहे मम्मी, सुनती नहीं है चुपट। अरे कहीं फिर तो नहीं भाग गई चुड़े, जरा बेटी नीचे जाके देख तो। हे राम। माय गुडनेस, अभी तक चोरी है लेती पोस। सीता उठ। उठती है तेरी तरह या फिर आज पिटता है मम्मी से। ओफो, यू नहीं मानेगी। क्या हुआ बेटा, क्या हो गया मेरी बच्ची, तू रो क्यों रही है, क्या कर डाला उस चुड़ैल ने, बोल तो सही, बता बच्चे। उसने मुझे मारा है, मैं उसके हाथ तोड़ देती हूँ। चल, उसने मुझे लात मारी। क्या लात मारी? चल मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगी। आ मेरे बच्चे आ। चोरी चुड़ैल, तेरी ये वजह है कि मेरी फूल सी बच्ची को हाथ लगाए। उठ। अरे ओह, काय को इतना भंकस करती है। भंकस की बच्ची, बहुत बाहर की हवा लग गई है तुझे, दिमाग खराब हो गया कल मूवी का, जरा उठ तो सही, उठ मैं बताती हूँ तुझे, चल बाहर। अरे क्या हो गया तुझे, तेरी ये मजा, बेशरम। मार मार के भैंस बना दूंगी। अरे जल्दी करो, हुआ क्या? अरे उस कमबख्त से मेरा हाथ छोड़ दिया और तू पूछते हुआ क्या? कौन आ गई? फिर कभी मेरी नींद खराब की तो तेरा खुलिया खराब कर दूंगी, समझी? समझ गई बेटी। बेटी अच्छा, आज से इस घर का खाना कौन बनाएगा? वो वी, 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 मैं बनाऊंगी बेटी। और सुबह की चाय? तो वो मैं बना दिया करूंगा, जब तू नहीं थी तो चाय मैं बना करता था। अच्छा, तो सुबह सुबह उठ के आप चाय बनाते थे और ये भैंस चादर पहन के सोती थी। सुन ले मोटी, चाय भी तू ही बनाएगी। बनाऊंगी। शाबाश। अब ऐसा कर, जल्दी से जा और मेरे लिए एक स्पेशल चाय बना के ले, एकदम कड़क। लाती हूँ जी। मम्मी मेरे लिए भी चाय कड़क। चुप रह। अब आवाज ऊंची की तो पड़ेगा लाफा। चल इसके लिए भी चाय बना के ला, जल्दी। लाती हूँ जी। कौशल्या, हाँ जी, रास्ता दिखा दूं तुम्हें रसोई घर का? इधर आ। मैं? हाँ तू। जी की बच्ची, ये टेबल इतना गंदा क्यों है? हाँ? ए क्या, कल से रोज सुबह जल्दी उठेगी और सारे घर की सफाई तू करेगी, समझी? दीदी चल चल हो जा। शाबाश। बेटी मैंने तो सुना था कुत्ते की दुम 12 साल भी सीधी नहीं होती, लेकिन आज ये सब। चाचा जी, दुम पर कभी जोर से झटका दिया होता तो दुम तो क्या, कुतिया भी सीधी हो जाती है। क्या फिल्म है उस्ताद, अपना तो पैसा वसूल हो गया। अभी क्या होता है उस्ताद, हीरो अपना बाप से बोलता है ना मुझे तखत मांगता है ना ताज मांगता है, सिर्फ हीरोइन से शादी करने का है, खलास। अरे बड़ा धांसू फिल्म है, किधर लगेला है? अरे इधर ताज टॉकीज में लगेला है, अपन भी देखेगा। हाँ, अभी क्या होता है उस्ताद, बादशाह एकदम हलकट है, अपनी हीरोइन जो होती है ना उसको जेल खाने में। अरे ओ लीला मौसी की लाडली, ये सर पे पल्लू, हाथ में थाली, किधर जा रही है? मंदिर। मंदिर?
अरे तू और मंदिर मंदिर जा रही है? आप भी चले ना मंदिर। मैं और मंदिर? अरे मुझे क्या लेना है भगवान से, तू जा, अपने पास टाइम नहीं है। दुनिया वालों का तमाशा दिखाने का टाइम है, और वो भगवान जिसके सामने ये दुनिया तमाशा है उसके लिए टाइम नहीं, थोड़ा सा भी नहीं। देख तू मेरे साथ ये उल्टी सीधी बातें मत किया कर, अपन ठहरे मदारी आदमी। भगवान भी तो एक मदारी है, बहुत बड़ा मदारी। तुम हवा में तीन गोले एक साथ उछालते हो, लेकिन उसके फेंके हुए लाखों करोड़ों गोले कब से आसमान में घूम रहे हैं। तुम अपनी मुट्ठी में 54 छुपाते हो और खोलते हो तो 58 निकलती है, लेकिन भगवान जब अपनी मुट्ठी में चांद को छुपाता है तो सूरज निकलता है ना? सरस क्या बात करती है, मेरी मान तो तू इस बार इलेक्शन में खड़ी हो जा। क्यों उस्ताद? अच्छा मैं जाती हूँ। अरे तुम यहाँ? हाँ मैं यहाँ, इसमें हैरत की क्या आवाज है? नहीं नहीं वो तुम अचानक आ गए ना, तो तुम अचानक चली जाती हो, हम अचानक चले आते हैं, अपनी अपनी आदत है। बैठे बैठ जाए। हाँ हाँ बैठे ना। क्या पियोगे? समझदार आदमी सिवाय पानी के और कुछ नहीं पीते, इसलिए तकलीफ की कोई बात नहीं। पहले ये बताओ घर में कोई है? क्यों हम कोई नहीं? आप तो कोई हैं ही, लेकिन आज हमें सिर्फ कोई से नहीं, कोई के चाचा से भी मिलना है। चाचा जी से? उनसे क्या काम है? है कोई काम? लेकिन क्या? अब तुम्हें बताने की बात नहीं। अरे हाँ ये लो। इसमें क्या है? इसमें अरे रवि नमस्ते चाचा जी। जी तरह बैठे, कहो कैसे हो? बस ठीक हूँ, अभी आई। बैठो रवि। चाचा जी दरअसल बात यह है कि मुझे यहाँ मम्मी डैडी ने भेजा है। हो अच्छा अच्छा। चाचा जी मुझे सिर्फ इतना कहना है, हमारी तरफ से ये रिश्ता पक्का समझ लीजिए, और अगर आपको ये रिश्ता मंजूर है तो मैं इसे अपनी खुशकिस्मती समझूंगा। सभी खुशकिस्मती तो हमारी होगी बेटे, अगर सीता को तुम्हारे जैसा लड़का मिले, मैं तुम्हारे डैडी को खत लिखकर शादी की तारीख तय कर लूंगा। तुम्हारी आंखों में आंसू? कुछ नहीं यूं ही आ गए। तुम खुश नहीं? बहुत खुश हूं, इतने कि इस खुशी से डर लगता है। डर? डर किस बात का? रवि तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूं। मैं एक बात जरूर जानता हूं, तुम जो भी हो थोड़ी सी पागल जरूर, ज्यादा नहीं थोड़ी सी। देखिए मैम साहब अब की संडे को मैं फ्री हूँ, आप मेरे साथ चल रही हैं। लेकिन रवि। हाँ यार ना रवि तुम सीता जी आती हूँ। बेटी दाल चढ़ा दी चूल्हे पर, पक भी गए। लाओ माँ मैं चुन देती हूँ। नहीं नहीं मैं कर लूंगी दोनों माँ। अरे कुछ काम मुझे भी तो कर लेने दिया कर। राका अरे वो राका। अरे काहे को चिल्ला रहा है, क्या हो गया तुझे? क्यों चलता है पास कल घंटे पर? अरे यार अपनी तो कड़की चल रही है यार, वो उधार भी नहीं देता अपने को। अरे कड़की को मार गोली, आज अपने पास बहुत माल है, देख 15 रुपए पूरे है। और स्टॉप बोल, कोई पॉकेट मार लेगा तेरी। पॉकेट मार लेगा मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। तू मेरा यार है कि नहीं? नहीं नहीं तू मेरा यार। एकदम सीधा चल। क्यों रे राका? जैस मौसी बस चल दिया।
अरे क्या मौसी, मैं दारू पीने थोड़ी जा रहा हूँ। ये रघु है ना, ये दूसरी चाली में रहता है। इसकी एक जोरू है। जोरू? चार बच्चे। अब मौसी तुम ही बोलो, घर गृहस्थी वाला आदमी दारू पीने जाए अच्छा थोड़ी लगता है। मैं पास्कल से ये कहने जा रहा हूँ, इसको रोकड़ा या उधार बिल्कुल दारू मत दे। अरे क्या मुर्गी तरह पकपक कर रहा है, बेशर्म कह के चल। अंडा देगा तू? अरे साला सारा मोहल्ला दारू पी ला है, अभी जाके सबकी छुट्टी करता हूँ। बस यही एक बुराई है इसमें, रोज पीना। कोई मना करने वाला भी तो नहीं है मुवे को, न माँ न बाप न भाई न बहन। मैं तो कहती हूँ कि दारू छोड़ दे तो सोना है ये लड़का। अभी तो हाथ में जाम है, तौबा कितना काम है। अभी तो हाथ में जाम है, तौबा कितना काम है। कभी मिली फुर्सत तो भाई देखा जाएगा, दुनिया के बारे में सोचा जाएगा। अभी तो हाथ में जाम है। जीने से पहले कौन मरे, फिक्र सुबह की कौन करे। जीने से पहले कौन मरे, फिक्र सुबह की कौन करे। गम की रात से कौन डरे, अभी सुहानी शाम है। सुहानी शाम है, तौबा कितना काम है। कभी मिली फुर्सत तो भाई देखा जाएगा, अरे दुनिया के बारे में सोचा जाएगा। अभी तो हाथ में जाम है। थका हुआ था मैं जरा, जरा सा सच में झूठ भरा। थका हुआ था मैं जरा, जरा सा सच में झूठ भरा। उठा के बोतल घूंट भरा, तो अब जरा आराम है। कितना काम है, कभी मिली फुर्सत तो भाई देखा जाएगा। अरे दुनिया के बारे में सोचा जाएगा। पहले घर चलिए। घर चलिए? किसका घर?
किसके घर चली? आपका घर? मेरा घर? मुझे तो मालूम ही नहीं किधर है मेरा घर। तू जानती है मेरा घर किधर है? हाँ हाँ मैं जानती हूँ। तू जानती है कहाँ घर? चलिए मेरे साथ। चल 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 मुझे लेके चल, मेरा घर किधर है? चल मेरे को परेशान नहीं कर लेना, तुझे मालूम है मेरा घर किधर है? तू बहुत काबिल है क्या? तू बहुत काबिल है, लेकिन मेरे को तो मेरा घर नहीं मिलता। अब वो लफड़ा बहुत है, घर किधर है? घर ये रहा आपका घर। ये मेरा घर है। अरे ये मेरा घर है, उसको घर कह दिया। तू घर देख लिए, आ मेरे साथ आ। इस चार दीवारी को, इस छत को तू घर बोलती है? किस चीज को घर बोलती है? इस चार पाई को, इस कुर्सी को, इस खिड़की को घर बोलती है? अरे घर, घर तो घर वालों के साथ बनता है, और अपना तो कोई नहीं इस दुनिया में, ना माँ ना बाप ना बहन ना भाई ना दोस्त, कोई भी तो नहीं। मेरा फुटपाथ की गोद में जन्म लिया, गंदी गलियों ने अपनी बाहों में पाल पोस के बड़ा कर दिया, और फिर एक दिन इस खोली की बंद मुट्ठी में घुट के मर जाऊंगा, और फिर पता क्या होगा, म्यूनिसिपलिटी की गाड़ी आके रुकेगी, उठा के ले जाएगी राकर उस्ताद को, खलास, खेल खत्म। अरे तुम क्या करती हो? कौन कहता है तुम्हारा कोई नहीं है? राका, क्या तुम ये पीना नहीं छोड़ सकते? पीऊंगा नहीं तो जीऊंगा कैसे? लेकिन तुझे क्या फर्क पड़ता रे? अगर फर्क पड़ता हो तो। उस्ताद अपना क्या? जानता हूं थोड़ा टाइम से आया हूं, पर क्या करता, अपन साला एकदम लाइन से आउटलाइन हो गया था। कल रात वो अपनी गीता है ना, वो मेरे से कहने लगी मैं क्यों दारू पीता हूं, क्यों बुरे धंधे करता हूं। उसकी बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए, और उसी टाइम सोच लिया कल सवेरे तेरे पास आकर बोल दूंगा कि मैंने आज तक जो बुरा भला किया है उसके लिए आई एम सॉरी। आज से दारू को तो मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, दारू पीऊंगा भी नहीं, चाहे वो 5 किलो ना मेरे को फोकट में भी पिलाएगा तो भी नहीं पीऊंगा। उस्ताद तू तो सबका उस्ताद है, अपने राखा को माफ कर दे यार उस्ताद। भगवान राका को शक्ति देना कि वो अपना वचन निभा सके। नहीं बेटी, बहुत कड़वी है दवा। क्या दादी माँ, इतनी सी तो है, बस नाक बंद करके पी जाओ। डॉक्टर ने क्या कहा था, दवा पियेंगे तो एकदम ठीक हो जाएंगे। 1 2 3 5 हाँ, जब तू छोटी सी थी तो मैं तेरी दादी थी, अब लगता है कि तू मेरी दादी बन गई है। मेरी दादी माँ? दीदी दादी नहीं, दादा हो गई है पूरी दादा। क्यों रे छटंके, बहुत बोलता है रे। अच्छा तो एक बात और बोलूं, गुप्ता जी आए। गुप्ता जी कौन? वकील साहब। वो बेचारे भी क्या जाने, हर महीने जो पैसे वो तुझे देते हैं उनकी पीठ मुड़ते ही
चले जाते हैं तेरी चाची की तिजोरी में। बद्रीनाथ जी, ये रिश्ता पक्का हो गया, मुझे बड़ी खुशी हुई। जी हमें भी बड़ी खुशी हुई है। लेकिन भाभी, ये सीता है कहाँ? सीता यहाँ है। आओ बेटी, आओ। आओ बेटी, तुम्हारा ही जिक्र हो रहा था। अच्छा, कहो बेटी, कैसी हो? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ। बद्रीनाथ जी, जी मैं इसमें चेंज नोट कर रहा हूँ, इसमें तो सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया है जी। पहले से काफी बदल गई है। जी हाँ। गुप्ता जी, सिर्फ मैं नहीं, भगवान की दया से कुछ ऐसा हुआ है, इस घर के सारे प्राणी कुछ कुछ बदल गए हैं। बदले हैं ना चाची? बदले हैं। भाई वाह, अब तो बड़ी बातें बनाने लगी। पहले कैसी चुपचाप सी बैठी रहती थी, अब लगता है कि तुम्हारी चाची तुम्हारा ख्याल रखती है। नहीं गुप्ता जी, पहले चाची मेरा ख्याल रखती थी, अब मैं चाची का ख्याल रखती हूँ। भला मेरा भी तो कुछ कर्तव्य है ना चाची? हाँ है। अच्छा तो मैं भी अपना कर्तव्य पूरा कर दूँ। ये लो इस महीने के पैसे। जी शुक्रिया। जरा गिन लो। ओफो गुप्ता जी, आप तो हमेशा जिद करते हैं। बेटी अपने चाचा को। क्यों, चाचा जी की गिनती गुप्ता जी की ईमानदारी से बढ़कर है। गुप्ता जी, इन्हें गिनने की कोई जरूरत नहीं, पैसे पूरे हैं। फिर भी अगर? नहीं गुप्ता जी, हम इन्हें गिनकर आपका अपमान नहीं करना चाहते हैं। बेटी, इस घर में मुझे 20 बरस हुए आते, आज पहली बार हुआ है कि बगैर गिने। आजकल इस घर में बहुत सी बातें पहली बार हो रही हैं। हो रही है ना चाची? हाँ हो रही है। अच्छा बद्रीनाथ जी, इजाजत। बस गुप्ता जी चल दिए। हाँ बस चलूंगा। नमस्ते भाभी। नमस्ते जी। नमस्ते जी। जीती रहो। आइए चलिए, मैं छोड़ा आपको। चाची। बेटी मैं कह रही थी कि। क्या कह रहे थे? पैसा तिजोरी में संभाल के रख दो। तिजोरी में रखोगी? लो रख दो। मैं भी आती हूँ। बहुत भारी है ये पतली सी कमर, इस लोहे की चाबी का बोझ उठाए मुझसे तो देखा नहीं जाएगा। क्या करूं, मैं ही रख लेती हूँ। हाँ हाँ तुम ही रख लो। सीता बिटिया, सीता बिटिया, सीता बिटिया, सीता बिटिया। चल खाना तैयार है। अभी नहीं मगर ठीक 1 बजे जाइए, समझे? चल आ रही है। अजी दिल जल रहा है मेरा। यानी कि आज नॉन वेजिटेरियन खाना बन रहा है? तुम तो जले पे नमक छिड़क गए, हटो बीच में से। उसका बस ने मुझे बावर्चन बना दिया और तुमसे कुछ बोला ही नहीं गया। अरे भाई बोलता क्या कौशल्या, तो दुनिया का दस्तूर है भाई, जौ बोकर गेहूं तो कोई नहीं खाता। अरे करने दो मनमानी, आने दो मेरे भाई को, मार मार के भतीजी का भुर्दा ना बना दे तो कहना। भाई ऐसा ना हो कि तुम्हारे भाई के कहीं भजिए बिक जाए। ये वो मसूर की दाल, रंजीत मेरा भाई है। यानी करेला नीम चढ़ा।
अरे तुम चाची। आई बेटी, आई। आज मैंने सब खाना तेरी पसंद का बनाया है। भिंडी की भाजी है और पालक का साग है और तले हुए करेले तो इतने अच्छे बनाए हैं कि तुम खुश हो जाएगी। बैठो ना बेटा, बैठो, खाओ। कौशल्या, बच्ची ने मजाक कर दिया तुम्हारे साथ। देखा तुमने, बड़ी शरीर है, हर वक्त मजाक करती रहती है। शैतान कहेगी। शैतान की चाची, इधर नहीं उधर चल। मगर बेटी, मैं तो यही बैठती हूँ। आज से इस जगह इस घर की मालकिन बैठेगी, समझे? चल, तू यहाँ बैठना चाची तो बैठ जा, मेरा क्या, मैं तो कहीं भी बैठ जाऊंगी, इधर बैठू या उधर, मतलब तो खाने। मैं अभी आई। मम्मी, ये कहाँ गई है स्टूपिड? क्या जा, मैं से ठीक। चलिए दादी माँ, सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। बेटी, मैं उन लोगों के साथ खाना खाऊंगी। वो लोग आपके साथ खाना खाएंगे। यहाँ दादी माँ बैठेंगे, समझी? समझ गई बेटी। और आज से इस घर की सारी चाबियां इन्हीं के पास रहेंगी, समझी? समझ गई। लीजिए बेटी। मैं, आप इस घर की मालकिन है दादी माँ, लीजिए ना। अब तुम लोग क्या देख रहे हो, चलो चालू हो जा। फिर क्या हुआ? और फिर जो मोटी खिसियानी होके बोली है, हर वक्त मजाक करती रहती है, बड़े शैतान है। शक्कर की थी? ये शक्कर है? ये शक्कर की ईंटे क्यों बनाते हैं? इसे शक्कर की ईंटे नहीं कहते हैं, इसे क्यूब कहते हैं। क्या, क्यूब? क्यूब, क्यूब, क्यूब। आप कैसे हैं? ठीक हूँ। Like to have some coffee? No, thank you. अरे हाँ, तुम्हारा घुटना कैसा है? घुटना ठीक तो हो गया था, लेकिन एक काम करो, कल क्लिनिक में आ जाओ, एक्सरे ले लेते हैं, ठीक है? ओके, थैंक यू, बाय। अरे सुनो, लड़की
मुझे कल रात सपने में मिली, बड़ी प्यारी सी सूरत थी, भला सा नाम था। ला 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 ला। कोई लड़का मुझे कल रात सपने में मिला, बड़ी प्यारी सी सूरत थी, भला सा नाम था। जीते रहो बेटा, कैसे हो? बस आपका आशीर्वाद है। मेरे भाई को तो जानते हो ना? जी हाँ जानता हूँ। कहे रंजीत बाबू, बहुत दिनों बाद नजर आए। जी हाँ, बिजनेस के सिलसिले में दिल्ली गया था। इसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बहुत बड़ा बिजनेस है। अजी भगवान का दिया सब कुछ है, बस एक मकान की कमी रह गई, इसलिए बेचारा अपनी बहन के साथ रहते हैं। बहुत बातें करने लगी हो। रवि, मैं सोच रही थी बाप के भाई को क्या कहते हैं? चाचा। चाचा की बीवी को? चाची। और चाची के भाई को क्या कहते हैं? चूंचू। रवि, तुम जरा मेरे चूंचू से बातें करो, मैं अभी आई। अरे सुनो, मैं चलता हूँ।
जा रहे हो इतनी जल्दी? अच्छा हाँ, कुछ काम है। नमस्ते। नमस्ते। बाय बाय। चाची जरा चून चू से चैन चैन करो, मैं चली। चू चू चीरियू बाबा। अरे देखा तुमने? तुम चुप रहो दीदी, सारा कसूर तुम्हारा है, तुम्ही ने ढील दी होगी इसे। चार दिन मैं घर से बाहर क्या गया, दो टके की छोकरी और कान भूल गई अपनी। अरे तुम नहीं जानते तुम्हारे जाने के बाद इसने क्या क्या किया। शायद ये भी नहीं जानती मैं क्या कर सकता हूँ। अब तुम बीच में दखल मत देना, मार मार के चमड़ी ना उतार दूं तो कहना तुम यही रहो। बहुत दिमाग खराब हो गया तेरा, काफी मरम्मत की जरूरत है। शीला और दीदी को डरा धमका लिया तो अपने आप को सूरमा समझने लगी। इसे पहचानती है ना, ये पहले भी तेरे बदन पर लकीरें बना चुका है। भूल गई उस मार को? इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगा। आज से तू अपने पुरानी औकात पर आ जाएगी, खाना बनाएगी, झूठे बर्तन साफ करेगी, झाड़ू देगी, समझी? और तू बैठकर राज करेगा कुत्ते। आज तेरी खाल खींच कर भूसा ने भर दिया तो। मुझे बचा लो, बचा लो दादी बाबा। कायर, तू आज उनसे रहम की भीख मांग रहा है जिन पर तुझे कभी रहम नहीं आया। छोड़ दे। सीता, क्या तू मेरी भी नहीं सुनेगी? दादी माँ, चलो जाओ अपने कमरे में जाओ। अगर कुछ शर्म बाकी है तो ये चूड़ी पहन ले। आई, आ, 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 अरे क्या करती हो दीदी, ये बैल की पीठ नहीं है। अरे बैल की पीठ से समझ के कमबख्त पीटा था, मनुष्य के हाथ टूट जाए, मार मार के मेरे भाई का फालूदा बना दिया। मम्मी मम्मी, ये रे ले आई बेटा, अच्छी तरह गरम की ना। ये गरम गरम हल्दी का लेप लगा दूंगी तो मेरा भाई ऐसा दो चार दिन में दौड़ने लगेगा कि जैसे कभी पिटा ही नहीं था। दादी माँ, क्या पढ़ रही हो? दादी माँ, गीता जी, भगवत गीता पढ़ रही हूँ बेटी। आ तू भी सुन, क्या कहा है श्री कृष्ण ने अपने भक्तों से? क्या कहा है श्री कृष्ण ने? कहते हैं जब जब दुनिया में पाप बढ़ेगा तब तब मैं आऊंगा। तो क्या वो कभी पाप से लड़ने आए? पगली, हर इंसान जो पाप से जुल्म से लड़ता है वो भगवान का ही तो रूप होता है। और दादी माँ, अगर जुल्म से लड़ने के लिए झूठ बोलना पड़े तो क्या वो भी पाप है? श्री कृष्ण भगवान ने कहा है अगर किसी नए काम के लिए झूठ बोलना पड़े तो झूठ 100 सच के बराबर है। रंजीत बाबू, अबे कहाँ मर गया था बुढ़े, 2 घंटे लगा था एक सिगरेट का पैकेट लाने में, अभी मुंह क्या दिख रहा है? चल माचिस निकाल। अबे गधे की औलाद, एक सिगरेट तक नहीं जला सकता, चल दफा मो।
रंजीत, रामू काका उम्र में तुमसे बहुत बड़े हैं, तुम्हारे बाप के बराबर हैं, इनसे माफी मांगो। रंजीत माफी मांगो। टैम काका ठहरिए। तुमने सुना नहीं रंजीत, रामू काका से माफी मांगो। मांगो। माफ करना। ऐसे नहीं, पैर छूकर, छू पैर। राम का मुझे माफ कर। रंजीत बाबू, रंजीत बाबू ठहरो। कौन से सिगरेट पीते हो? 555। और इस घर का काम क्या करते हो? कुछ नहीं, आज से बिना काम किए इस घर की रोटी तोड़ी तो गिन के पूरे 555 जूते मारेंगे, समझे? रामू काका जी, बाजार से भाजी तरकारी अब रंजीत लाया करो। ये लींबू ताजे हैं क्या बाबूजी? हर चीज ताजा है। और ये पालक की भाजी कैसे दी? अरे का बाबूजी, हर चीज का भाव पूछा तो पहली बार तरकारी लेने आयो का? अरे ठीक है, गुस्सा क्यों करते हो? क्या फोकट में देते हो? डैम यू। ये क्या है? बैंगन है। हैं? बैंगन ऐसा होता है? जी हाँ। ठीक है, कैसे किलो? 2 रुपए किलो। 2 रुपए एक किलो। तुम क्या हुआ तुम्हें? तू इतनी घबराई हो क्यों है? कुछ नहीं गीता, साफ साफ बताओ ना क्या बात है। राका, मुझे डर लग रहा है। डर? किस बात का डर? मुझे डर लग रहा है कोई मुझे तुमसे छीने। कौन साला तुझे मुझसे छीन सकता है? अपने राका पर भरोसा नहीं है? लेकिन अपनी किस्मत पर नहीं। अरे पगली, किस्मत तो यूं बदली जा सकती है। तुम यहीं ठहरो, मैं अभी आता हूं। कहां जा रहे हो? तुम्हारी और अपनी किस्मत की रेल गाड़ी एक ही पटरी पर लाने। जाऊं जाऊं। लीला बहन, बहुत ही शुभ मुहूर्त निकला है। भगवान का नाम लेकर इस महीने की 18 तारीख को लगन कर डालो। बराबर। अरे पंडित जी, 18 तारीख तो बहुत दूर पड़ेगी, कुछ जल्दी नहीं हो सकता? नहीं बेटा, केवल 18 तारीख। तो ठीक है, 18 ही सही। 18 तारीख? हाँ बेटे, तारीख रवि के माता पिता ने तय करके भेजी थी, मैंने हाँ कह दी। लेकिन चाचा जी। देखो बेटे, ये जिम्मेदारी मैं जितनी जल्दी अदा कर सकूं उतना ही अच्छा है। तुम्हारी शादी के बाद तुम्हारे पिताजी की जमीन जायदाद। चाचा जी वो तो ठीक है, लेकिन अगर कुछ दिनों के बाद। बेटी बेटी, ये मत भूलो कि हम लड़की वाले हैं। अगर हमने अपनी तरफ से जरा भी टाल मटोल की तो पता नहीं वो लोग क्या समझे। और फिर बेटे, रवि जैसे लड़के आजकल मिलते कहाँ हैं? अच्छा मैं जरा हरी हर जरी वाला ज्वेलर्स किया हुआ हूँ, शायद तुम्हारे जेवर तैयार हो गए होंगे। चाचा जी। हाँ बेटे। कुछ नहीं, सुखी रहो बेटे। पिताजी, आपको माता पिता कहने का मुझे कोई अधिकार नहीं। मैं आपकी बेटी नहीं, पर आज तक ये बात मैंने छुपाई रखी तो इसके पीछे एक ही कारण था कि इस घर में होने वाले अन्याय को मैं मिटा सकूं। लेकिन आज मैं क्या करूं? ये लोग जो मुझे आपकी बेटी सीता समझते हैं,
मेरी शादी रवि से करना चाहते हैं और वो नहीं जानता कि मैं एक ऊंचे घराने की बेटी सीता नहीं, सड़कों पर नाचने वाली एक मामूली बंजारन गीता हूँ। बताइए बताइए मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ? ये तस्वीर किसकी है? ये ये तो आपके बद्रीनाथ जी की भतीजी सीता है। कल तक मैं भी यही समझता था, लेकिन ये लड़की सीता नहीं, सीता की शक्ल और सूरत वाली एक बंजारन गीता है। तो फिर सीता कहाँ है? उसे ढूंढना तुम सबका काम है, वो जहां भी हो उसे यहाँ उठा लो, लेकिन 18 तारीख से पहले या 18 तारीख तक। अरे अरे बाबा देख के। देख सकता तो गिरता ही क्यों बेटी? माफ कीजिए बाबा, ये लीजिए आपकी चड़ी। बेटी यही कहीं मेरी कार होगी? हाँ हाँ जरा मैं ले चलती हूँ, चलिए। चुपचाप अंदर बैठ जाओ वरना। बेटी अरे अरे तुम अभी तक तैयार नहीं हुई, बारात के तो आने का वक्त हो गया। चाचा जी मैं समझता हूँ बेटी, आज अगर भाई साहब और भाभी जिंदा होती तो भाभी अपने हाथों से दुल्हन बनाती तुम्हें और भाई साहब तुम्हें विदा करते, लेकिन क्या करूं बेटी बहुत अकेला पड़ गया। अच्छा बेटी मैं चलूं, तुम तैयार हो जाओ। सीता मैं कितना खुश नसीब हूँ जिसे तुम मिल जाओ, उसे जिंदगी में और क्या चाहिए, तुम्हारी जैसी पत्नी जो सुंदर है सुगढ़ है जो एक बहुत ऊंचे घराने की है, तुम्हें पाकर तुम्हें। रवि क्या बात है? रवि मैं बताओ ना क्या बात है? आज की रात हम एक नई जिंदगी शुरू कर रहे हैं, मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहती, जो तुम आज तक मुझे समझते रहे मैं वो नहीं हूं। क्या मतलब? मैं किसी गूंजे घराने की नहीं हूं रवि, मैं तो एक मामूली सी बंजारन हूं जिसे गलती से ये लोग सीता समझकर अपने घर ले आए। ये तुम क्या कह रही हो? हाँ रवि मैं गीता हूं, गीता जिसका काम सड़कों पर तमाशा दिखाना था। ये सच नहीं है। अगर ये सच है तो ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैंने तुमसे न जाने कितनी बार कहना चाहा मगर तुमने मुझे धोखा दिया। तेरी मेरी बात तो सुनो। तुम समझती हो मैं सड़कों पे नाचने वाली एक बंजारन को जिसके न खानदान का पता है न खून का अपनी पत्नी स्वीकार करूंगा? लेकिन हमारी शादी हो चुकी है। मौसी 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 मैं देखकर आया मंदिर पर, वहां तो नहीं है? हाय राम मुझसे तो मंदिर कहकर गई थी। क्या हुआ चीना? उस्ताद गीता मंदिर गई थी, 2 घंटे हो गए उसका पता ही नहीं है। लगन का टाइम जा रहा है, कहाँ चली गई वो? मैं बताता हूँ। शराब
जी हाँ, हाँ जी हाँ, मैंने शराब पी है। दादी माँ, मैं शादी नहीं कर सकती। सीता, बद्रीनाथ जी, कैसा जलील और बेहुदा मजाक करने के लिए हमें बुलाया था आपने? अगर इस बेशर्म लड़की को ये शादी नहीं करनी थी तो ये ढोंग रचाने की क्या जरूरत थी? मैं बताता हूं इसने ये ढोंग क्यों रचाया है। इसने ये ढोंग इसलिए रचाया है क्योंकि दौलत की लालच कूट कूट कर इसके दिल में भरी है। इसने ये ढोंग इसलिए रचाया है क्योंकि इसकी नजर इस घर की दौलत पर थी, यहाँ के रुपये पैसे जमीन जायदाद पर थी। रंजीत, क्या बकता है तुम? बक नहीं रहा, फरमा रहा हूं। ये लड़की जिसे आप अपनी पोती और आप अपनी भतीजी सीता समझते हैं, ये सीता नहीं बल्कि सीता की हमशक्ल सड़कों और फुटपाथों पर नाचने गाने वाली एक आवारा लड़की गीता है। ये सब झूठ है। ये सच है और ये सच बहुत कड़वा है, आपके लिए भी और मेरे लिए भी। कौन है आप? मैं कौन हूं इसी से पूछ लो, तू ही बता दे इनको कौन हूं मैं, या तू भी मेरे को नहीं पहचानती? कितना दौलत की लालच तेरे को इतना गिरा देगी मैं सोच भी नहीं सकता। उधर प्यार की रास मुझसे रचाई, इधर बेचारे बाबूजी को धोखा दिया, शादी का वादा मुझसे और... नहीं नहीं, ये सच नहीं, मैंने कोई वादा नहीं किया, कोई रास नहीं रचाया। रवि, तुम इसकी बात मत मानना, ये सब झूठ है। हाँ ये झूठ है, ये झूठ है कि तेरा नाम गीता है, ये झूठ है कि तू सड़कों पर तमाशा करने वाली एक लड़की है, ये झूठ है कि तेरा मेरा लगन होने वाला था, और ये भी झूठ है कि यार तेरी माँ है। गीता बेटी, तू कहाँ चली गई थी? मैं तेरे लिए कितनी परेशान हो गई थी, तू क्यों घर से चली आई? बोल बोल गीता बोल। ये आपकी बेटी नहीं, हमारी बेटी सीता है। लो और सुनो, मैं क्या अंधी हूँ जो मैं अपनी गीता को नहीं पहचान सकूंगी? देखिए आपको कोई गलत फहमी हो गई है। अरे जाओ, मुझे कुछ नहीं हुआ, बोल दे बेटी, बता दे इन सबको कि मैं तेरी माँ हूँ। अरे तू चुप क्यों है, बोलते क्यों नहीं? अरे इन्होंने तेरे पर जादू टोना तो नहीं किया? बोल गीता बोल बोल बोल, मैं तेरी माँ हूँ, बोल। तू मुझे क्या भूल गई? बोल गीता गीता बोल गीता बोल। माँ माँ तू रो मत, माँ तू रो मत, मैं तेरी गीता हूँ। तो फिर मेरी सीता कहाँ है? हो सकता है यही सीता को भगा ले गई और कहीं छुपा दिया, और हो सकता है इसने सीता का खून कर दिया हो। कमीने मक्कार! ये सच है कि तुम्हारा नाम गीता है? जी हाँ।
और ये भी सच है कि तुम इतने दिनों से सीता बनकर इस घर में। मुझे अफसोस है कि तुम्हें जालसाजी और धोखेबाजी के इल्जाम में गिरफ्तार किया जाता है। चलिए दादी माँ, हो सके तो मुझे माफ कर देना। मत छो मुझे। अगर किसी ने एक काम के लिए झूठ बोला जाए तो वो झूठ 100 सच के बराबर है। आप ही ने कहा था ना, याद है? चलिए इंस्पेक्टर साहब। ठहरिए, रुक जाइए थानेदार साहब। मेरे किता को मत ले जाइए। मेरी किता ऐसी नहीं है, इसे छोड़ दीजिए थानेदार साहब, इसे छोड़ दीजिए थानेदार साहब। अरे कोई क्या जिसे हम इतने दिनों तक गीता समझते रहे वो सीता है? जो मुझे आज तक प्यार करती रही वो सीता है? हाँ, और इसी धोखे में सबने गीता को बुरा समझा, उससे बुरे सह गए। तुम फिक्र मत करो मौसी, गीता चाहे हवालात में हो या काले पानी में, राका उसे छुड़ा कर लाएगा। मालिक, सीता ने मुसीबत कर रखी है। क्यों, क्या हुआ? उसने दीवार से मारकर अपना सर फोड़ लिया। ठीक है, तुम जाके किसी डॉक्टर को ले आओ, भागो। अच्छा, कम ऑन। वो ब्रोकर देखा है ना, पहले माले दूसरी खोली में। बिल्कुल सच सच कहता हूँ राका, आज शाम को तुम्हें वहां से छूट के आया हूँ। ठीक है, तो चल फूट। साहब बोलो भाई। कोई सवाल किए बगैर इस लड़की के पट्टी बांध दीजिए। अच्छा, अरे तुम यहां कैसे? इन लोगों ने मुझे कैद कर रखा है। सीता? हाँ। तुम गधे के बच्चों, तुम्हें इसके अलावा शहर में और कोई दूसरा डॉक्टर नहीं मिला? रंजीत,
मैं तेरी सब चाल समझ गया। मैं तुझे ज्यादा गुस्सा करने की जरूरत नहीं डॉक्टर साहब, आप अपना काम कीजिए वरना मेरे दोस्त आपका काम तमाम कर देंगे, समझे आप? कीर्ति, सीता, ये शादी का जोड़ा पहनकर जल्दी से नीचे आ जाओ, समझे? और हाँ, डॉक्टर साहब का काम खत्म होते ही इन्हें बराबर के कमरे में बंद कर दो। मेरी समझ में नहीं आता तुमने मुझे। देख गीता, मुझे माफ कर दे, मुझे मालूम नहीं था सच क्या है और असल बात तो तू ही नहीं जानती। क्या मतलब? सीता तेरी जुड़वा बहन है। मेरी जुड़वा बहन? हाँ। किसने कहा? अरे मौसी ने मुझे बताया, वो कह रही। सीता है कहाँ? मैं जानता हूँ। कहाँ है? रंजीत ने उसे प्लासिया कोठी में बंद कर रखा है। प्लासिया कोठी? चलो मेरे साथ। लेकिन वहाँ चारों तरफ रंजीत के आदमी है, तो क्या हुआ? मैं अपनी बहन को बचाने के लिए रंजीत तो क्या रावण से भी टकरा गया। और कितनी देर लगेगी पंडित जी? बस थोड़ी देर है। दामोदर कहां से ये तुम्हारा बुड्ढा पकड़ लाया? नॉनसेंस। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? घबराओ मत सीता, तुम्हारी रक्षा करने के लिए भगवान ने मुझे भेज दिया है। आप कौन है आप? मुझे इन हैरान आंखों से न देखो सीता, मैं कोई पराई नहीं हूं, तुम्हारे ही दूसरा रूप हूं, तुम्हारी जुड़वा बहन गीता। जुड़वा बहन? लेकिन ये मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगी मेरी बहन, लेकिन पहले इन कमीनों को कुछ समझाना चाहती हूँ जिन्होंने तुम्हें इस मुश्किल में डाल रखा है। वो रंजीत मुझसे जबरदस्ती शादी करना चाहता है, उसका तो बाप भी नहीं कर सकता। सीता मेरी बहन, मुझ पर विश्वास रखो और जो कुछ मैं कहती हूँ उसे चुपचाप करती जाओ। क्या लगा रखा पंडित के बच्चे, और कितनी देर लगेगी? और सबको तैयार है माए बाप, आप कन्या को बुलाइए। कीर्ति जल्दी से सीता को लाओ। अभी लाओ। आप शुरू हो जाइए, जल्दी कीजिए। चलो नीचे चलो। नहीं नहीं, देखिए मुझ पर दया कीजिए भगवान के लिए। सॉरी, दया करना मुझे आता नहीं। चलो चलो। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? चलो। चंद्रमते स्वाहा, ओम विश्वे देवाय स्वाहा, ओम धर्मराजाय स्वाहा, ओम वनस्पते स्वाहा, ओम विद्या। तुम यहाँ? अन्नमते स्वाहा, विश्वे देवाय स्वाहा। ये क्या मजाक है? अबे गधे, शेरनी की शादी गीदड़ से नहीं होती, समझा? क्या कहा तूने? अभी मजा चखाता हूँ। तुम? हाँ बच्चू, मैं। तो फिर सीता कहाँ है? सीता यहाँ है। अरे तू यहाँ? हाँ मैं यहाँ। दामोदर कीर्ति पकड़ो इन सबको, भागो। Thank you.
जरा देना दोस्त, कुछ गड़बड़ लग रही है, देखें जरा। हाँ, सांस लो और जोर से। अबे उल्लू के पट्टे, दमा हुआ है दमा, फाइटर बनने निकला है, बैठ वहां। चल बे ठिंगू, जरा क्या हुआ? जुलाब नहीं होता डॉक्टर साहब, ऊपर जा। थैंक यू डॉक्टर साहब। अरे अरे आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं? डॉक्टर के बच्चे बहुत कर ली डॉक्टरी, चलो कंपाउंडर साहिबा तुम भी चलो। ले जाओ इन सबको और बंद कर दो नीचे, और ले जाओ इनको भी। कमा शाबाश बहादुरों। गीता, अब पता चलेगा कि शेर कौन है और गीदड़ कौन। अबे आप गीदड़, कहते अपने चूहों से शेर का बाप आ गया है, देखते क्या हो, पकड़ो इस बाप के बच्चे को। लौंडे, आज तेरी धुलाई कर दूं तेरी तो। La 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 la
अब कुछ आ गए? हाँ साहब, ठीक है, ठीक है। जुलाब हुआ? दो बार। एक बार फिर जा। हाँ, बाथरूम किधर है? इधर। हाँ, चल। ओ मैं तुम्हें घबरा मत रंजीत, मैं निहत्ते पर वार नहीं करती। ये ले। अबे चूंचू, देखता क्या है? दम है तो उठा तलवार, उठा। कसम से जिंदगी में आज तक किसी से नहीं डरा, लेकिन आज पता नहीं क्यों पसीना छूट रहा है मेरा। इसमें डरने की कोई बात नहीं, कोई फिक्र। सुनो, सुहागरात को क्या करते क्या है? मुझे क्या मालूम, मेरी भी तो पहली शादी है। अच्छा, इसमें इतना ताज्जुब क्यों हो रहा है तुम्हें? वाकई पहली शादी है मेरी। तू जा, फिक्र मत कर। ठीक है, जो भगवान को मंजूर। अरे बुलाए थी।